Hi everyone, and welcome you all to this next session. We were supposed to start equity, but I'll park that for a moment. मैं अभी आपसे कुछ basics discuss कर रहा हूँ जो कि आपको काम आएगा in the process of understanding equity, FLC and everything. ठीक है ना? तो let's focus on the topic at hand. मैं आपको कुछ चीजें करवा रहा हूँ यहाँ पे. I'll make you understand the meaning of the word contribution. You'll understand the difference between fixed cost and variable cost. In this whole example, I'll make you understand the concept of leverage. And the last piece, I'll make you understand the concept of growth rate. ठीक है, ये तीन चार concepts निकलेंगे same examples. Let's stay put. It will be a detailed example. At this point of time, I won't be able to pinpoint कि ये exact piece पूरे के पूरे syllabus में कहाँ पे. Operating leverage दो तीन जगहों पे आता है. Earlier it used to be a specific chapter in corporate issues. They have removed it now. ठीक है, ग्रोथ ये लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री तीनों में इक्विटी में बहुत बार आएगा. ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर से विल नॉट अपियर एज अ कॉन्सेप्ट एनी वेयर, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर पीसेस विल बी शेकी. ठीक है ना, स्टे पुट. नेक्स्ट 35-40 मिनट्स माय 100% कमिटमेंट टू यू. आई मतलब रिगार्डलेस ऑफ योर बैकग्राउंड, यू कुड हैव बीन अ बॉटनी मेजर, यू कुड हैव बीन अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट. आपको 45 मिनट्स के बाद 100% क्लैरिटी होगी ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. नॉट फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट की प्लस माइनस करके ठक ठक आंसर निकाल दो, वो तो मतलब बीकॉम ने बहुत अच्छे से कराई दिया है, इसीलिए हम हमेशा गलत ही करते हैं. ठीक है ना, लेट्स लेट्स विजिट दिस क्वेश्चन. लेट्स से आई स्टार्टेड अ बिजनेस. ठीक है, I come from a footwear background. My forefathers have been footwear traders, manufacturers and what not. So invariably मैं जब भी कोई example देता हूँ, उस example में मैं जूते का ही धंधा कर रहा होता हूँ. ठीक है ना, so at this point of time, let's say I'm a footwear trader. I go to my dad, I ask him that boss, मुझे ना धंधा करने का है, मैं business चालू करना चाहता हूँ अपना. He says okay, क्या करना चाहते हो ये बताओ. I tell him okay, I want to get into footwear trading. He says, okay, what sort of footwear trading are you looking for? I say, I'll just go to the manufacturers. मैं Skechers के फैक्ट्री में जाऊंगा, उनसे माल खरीदूंगा. I'll have my own store in Karol Bagh, Rajouri Garden, और मैं वहां से सेल कर दूंगा. So I'm a retailer. The concept is simple. आप होलसेलर या फैक्ट्री से जाके माल खरीदोगे, अपनी दुकान में माल बेच दोगे. That's it. Correct? ठीक है, so I started this business. I took a shop in Karol Bagh on rent. Day one पे जैसे ही मैंने rent मतलब जैसे ही मैंने contract sign किया, rent agreement sign किया, the shop was for 1 lakh rupees per month या per annum बोल लेते हैं, rent per annum. लाख रुपए का rent sign किया मैंने. Now if in this given 1 year I do not do one single dollar of sales, what will be my expenses? 1 lakh rupees I'll still be paying. इससे फर्क ही नहीं पड़ता कि मैंने माल बेचा कि नहीं बेचा, मेरे को लाख रुपए का रेंट देना पड़ेगा. यस नो ओके. लेट्स से मैंने फर्स्ट ईयर में 1000 units में ट्रेड किया. आई ट्रेडेड इन 1000 units. मैंने 1000 units खरीदे और ये 1000 के 1000 बेच दिए. 1000 units खरीदे थे 60 रुपए के और बेचे हैं मान लो 40 रुपए, 100 रुपए के. आई बॉट दिस फॉर 60 रुपीज, आई सोल्ड इट फॉर 100 रुपीज. 60 रुपीज की मैं कोई जोड़ी खरीदता था, 100 रुपए की बेच देता था. ठीक है, मैं फिगर्स को कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता. आई कुड हैव वेरी वेल गिवन यू मोर रियलिस्टिक फिगर्स की 2000 की खरीदी, 3000 की बेची. इट पॉल्यूट्स योर माइंड. तो आई जस्ट कीप द यूनिट्स एज माई प्रेफर्ड यूनिट्स कि मैंने 60 रुपए का सामान खरीदा और उसे 100 रुपए का बेच दिया. मैंने टोटल परचेज कितने की होगी? आई वुड हैव परचेज्ड गुड वर्थ रुपीज 60,000. यस नो. आई वुड हैव मेड अ सेल ऑफ रुपीज 1 लाख. मेरे को अभी तक के क्या पैसे बच गए होंगे? 40,000 रुपीज बच गए होंगे. लेकिन भूलो मत, ये सब तो बाद में आएगा. सबसे पहले क्या आ रहा है? मेरा लाख रुपए का रेंट तो खड़ा ही खड़ा है. यस नो. ठीक है ना, my 1 lakh rupee rent is there. If I bought
1000 यूनिट्स, आई पेड 60K फॉर इट, एंड आई सोल्ड दीज फॉर 100 रुपीज पर यूनिट, आई मेड 1 लाख ऑन इट। तो मेरे को टोटल मिला के 40,000 रुपए बचा माल खरीद के और बेच के। आई वॉज एबल टू मेक 40,000 रुपीज, बट आई स्टिल हैव टू पे दैट 1 लाख रुपी रेंट। येस नो? मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है इस पॉइंट पे? फाइनल लॉस है 60,000 का, 40 less 1 लाख, दिस इज माई लॉस। येस नो? ओके। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैं 60,000 के लॉस पे खड़ा हुआ हूं विथ मी सो फार, कोई फ्रिक्शन नहीं है, करेक्ट? ओके, लेट्स मूव अहेड। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन कुछ नहीं होता अभी के लिए, लेट्स जस्ट इग्नोर दैट टर्म। व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, माय डैड आस्क्ड मी कि भाई तू माल खरीदेगा कैसे मार्केट से, यू डोंट हैव एनी फंड्स। आई सेड आई विल हैव अ वर्ड विद देम कि आप मुझे माल दे दीजिए, जस्ट फिल माई शॉप विद द प्रोडक्ट्स दैट यू हैव, एंड देन वंस आई सेल इट ऑफ आई विल रीपे यू बैक। ठीक है ना? तो मैं माल उधार पे ले लूंगा। दैट्स व्हाट आई टोल्ड माई डैड। नाउ टेल मी वन थिंग, विल आई गेट क्रेडिट फ्रॉम द मार्केट? नो। हु नोज मी? मैं पहला दिन धंधा कर रहा हूं, मुझे पहले दिन पे तो कोई उधारी देगा नहीं। अगर मेरी 5-10 साल की हिस्ट्री होती, मैं इसी मार्केट में बैठा होता 2-5-10 साल से, पीपल वुड ट्रस्ट मी, दे वुड से ओके ठीक है यार, 10 साल से करण भाई धंधा कर रहे हैं, इनको मतलब इनको माल क्रेडिट पे दे देते हैं, 10 दिन 15 दिन 20 दिन जो भी टर्म्स होंगे उस पर पेमेंट आ जाएगी। यस नो? बट ओवर हेयर आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस अफ्रेश, विल आई गेट एनी क्रेडिट फ्रॉम द मार्केट? अनलाइकली। इस पॉइंट पे उधार मार्केट से मिलना की उम्मीद बहुत कम है, तो पैसे खुद के लगाने पड़ेंगे। मैं स्केचर्स के शोरूम जाऊंगा, वो बोलेंगे हाँ जी आप पैसे डिपॉजिट करिए, तब हम आपकी दुकान में माल छोड़ देंगे। येस नो? आई विल नॉट गेट द प्रोडक्ट टिल द टाइम आई एम पेइंग देम अपफ्रंट। आई डोंट हैव मनी टू पे अपफ्रंट। व्हाट विल आई डू इन दिस केस? आई आस्क माई डैड वाई नॉट यू इन्वेस्ट, बी माई पार्टनर, 50% आपका 50% मेरा। तो दिमाग खराब है क्या मेरा? लॉस थोड़ी करना है, ये सब नहीं करता मैं। ये सर धंधे कर लिए मैंने पूरी जिंदगी, अब कॉर्पस पड़ा है रज रज के। आई हैव ह्यूज सम ऑफ मनी फॉर माई सेल्फ, आई डोंट वॉन्ट टू गेट इन टू एनी बिजनेस। हाँ इफ यू आर इंटरेस्टेड, उधार दे सकता हूँ, ब्याज खाऊंगा। जब नए स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ, लोग मेरे पापा को जज करने लगते हैं, इतना कैसा बाप है। अरे बिजनेसमैन है यार, रिलेशन अपनी जगह। ठीक है ना? मैंने कहा ठीक है फिर 5 लाख रुपए दे दो, तो दे फिर ठीक है, टके का ब्याज दे 1% a month। ठीक है ना? 1% a month, दिस इज वॉट आई विल चार्ज। कंपाउंडिंग नहीं लगाते अभी के लिए, बेसिक 12% per annum चल रहा है। He says 12% per annum I'll charge. He says ये रहे 5 लाख रुपए, इस साल का ब्याज 60,000 रुपए, मैं तुझसे साल के एंड में ले लूंगा। आई एम गिविंग यू 5 लाख रुपीज, आई चार्ज 60K रेंट फॉर दिस ईयर। आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? अच्छा एक बात बताना, लेट्स से मैं स्केचर्स पे गया, मैंने उन्हें 5 लाख रुपए दिए, मैंने अपने दुकान में डिपॉजिट रख लिया 5 लाख रुपए का, डिपॉजिट रख लिया इन द सेंस मैंने माल रख लिया 5 लाख रुपए का, आई पेड स्केचर्स 5 लाख, आई गॉट प्रोडक्ट्स वर्थ ₹5 लाख, दैट इज केप्ट इन माई ऑफिस एज स्टॉक, करेक्ट? ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ दिस 1 ईयर आई वॉज नॉट एबल टू सेल 1 सिंगल यूनिट, 1 रुपए का माल नहीं बेचा, साल के एंड में 60,000 रुपए रेंट फिर भी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और दोज ऑफ अस कि नहीं नहीं पापा पटा लेंगे, पापा को छोड़ो, मान लो कोटक बैंक से लिया था पैसा, विल आई हैव टू पे दिस 60,000 इंटरेस्ट और नॉट? आई हैव टू पे दिस 60,000 इंटरेस्ट, 100% श्योर? यस नो? मैंने जिस दिन धंधा चालू किया उस दिन, स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे इटसेल्फ, आई हैव अ रनिंग कॉस्ट ऑफ 1,60,000 per annum। यस और नो? मैंने जिस दिन से धंधा स्टार्ट किया
डजेंट मैटर वॉट प्रॉफिट आई विल गेट फ्रॉम दिस बिजनेस, इसको भूल जाओ। आई विल हैव टू पे अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ दिस 1 लाख रुपीज प्लस दिस 60,000 रुपीज, यस नो? श्योर इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है ना? ओके, डे वन पे आई हैव साइंड अप फॉर एन एक्सपेंस ऑफ 1,60,000 रुपीज। इफ ड्यूरिंग द होल ईयर आई डोंट डू एनी ट्रांजेक्शन, मैंने आज रेंट पे लिया, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, पापा कोटक बैंक से 5 लाख रुपए लिए, 1 लाख रुपए रेंट के देने, 60,000 रुपए इंटरेस्ट के देने, नेक्स्ट डे पे कोविड की थर्ड वेव हो जाती है, फोर्थ वेव हो जाती है, ऑल शॉप्स आर शट, आई स्टिल हैव टू पे 1 लाख रेंट, आई स्टिल हैव टू पे 60,000 इंटरेस्ट, यस नो? मेरे यूनिट्स 100 बिके चाहे 1,000 बिके, विल दिस कॉस्ट रिमेन सेम? ये फिक्स्ड कॉस्ट है, वो कॉस्ट जिस पे पर यूनिट का इंसिडेंस नहीं आ रहा है वो फिक्स्ड कॉस्ट है। पर दोबारा बोल रहे बात, लेट्स से इन ईयर वन यू थिंक कि हाँ ये तो हमें पहले से पता है, जस्ट लुक एट दिस क्लोजली, आई विल गिव यू अ फ्यू इनसाइट्स। दिस 1,60,000 रुपीज विल बी इनकर्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स परचेज्ड और सोल्ड। मैं यहां पे नंबर ऑफ यूनिट्स लिख दे रहा हूं, मान लो पहले साल में कोई यूनिट नहीं बिका, मुझे धंधा ही करने नहीं आता था, दूसरे साल में 100 यूनिट बिके, तीसरे साल में 1,000 यूनिट बिके, अगले साल में 2,000, एंड इन दिस ईयर 5,000, वॉट विल बी माई एक्सपेंस इन दीज ईयर्स? वॉट विल बी माई एक्सपेंस इन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर? इट रिमेन सेम, कोई फर्क नहीं आने वाला है, नंबर ऑफ यूनिट से खाक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? दिस इज फिक्स्ड कॉस्ट। सर इसके एग्जाम्पल बोलो, आपके सामने ही थे, रेंट, इंटरेस्ट, अभी के लिए बस ये दोनों रखो, अभी के लिए आई एम गुड विथ जस्ट दीज टू। श्योर आपको ट्रू और फॉल्स बोलना है, इनफैक्ट बोलना नहीं है, लिखना है अपने नोटबुक में, यू हैव टू राइट ट्रू और फॉल्स। फिक्स्ड कॉस्ट इज द, मैं आपको स्टेटमेंट बोल रहा हूं, राइट दैट स्टेटमेंट, राइट टी ऑब्लिक एफ, जो भी आपका आंसर है राइट दैट ऑन द टॉप ऑफ योर पेज, आई विल जस्ट कम ओवर, मैं खुद ही देख लूंगा आपका क्या आंसर है, डोंट से इट, ठीक है? फिक्स्ड कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन अ पर यूनिट बेसिस, ऑन अ पर यूनिट बेसिस, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। आसान भाषा में फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो, अगर मैं पर यूनिट कॉस्ट निकालू, अगर मैं, ये तो ये फिक्स्ड कॉस्ट थी, अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालू तो ये सेम रहेगी अक्रॉस ऑल ईयर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। दैट इज व्हाट आई आस्क्ड यू, राइट ट्रू और फॉल्स इन योर नोटबुक। इफ यू आर व्यूइंग दिस इन रिकॉर्डिंग मोड, पॉज दिस वीडियो ओवर हियर, आंसर इट एंड देन व्यू द अदर साइड ऑफ द वीडियो। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मैंने पूछा था आपसे कि फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट है जो पर यूनिट बेसिस पे सेम रह जाएगी, ये पर यूनिट बेसिस पे सेम रहेगी क्या? ये टोटल बेसिस पे सेम रह रही है, अगर मैं पर यूनिट निकाल रहा हूं तो क्या हो रहा है? पर यूनिट तो गिरती जा रही है, पर यूनिट तो गिर रही है, यस नो? ओके सर क्या चाहते हो? जस्ट वन थिंग, आई डोंट वॉन्ट यू टू बी कंप्लेसेंट, यू हैव टू, मतलब व्हाइल इन दिस क्लास यू हैव टू थिंक एट एवरी स्टेप, आई विल मेक श्योर दैट योर लाइफ इज इन ट्रबल व्हेन यू आर इन दिस क्लास। अब यहां परेशान हो लीजिए, एग्जाम इजी लगेगा आपको, ट्रस्ट मी। फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट इज नॉट सेम, ठीक है ना? यहां लिख रहा हूं नॉट कॉन्स्टेंट, और टोटल बेसिस पे कॉन्स्टेंट, यस नो?
अच्छा एक बात बताना, इन माई स्टोरी आई वाज टेलिंग यू दैट आई हैव बॉट वन यूनिट एट 60 रुपीज, आई हैव बॉट वन सिंगल यूनिट। एक जूता खरीद के लाता हूँ 60 रुपए खरीदता हूँ, आई सेल इट फॉर 100 बक्स, करेक्ट? 60 का खरीदता हूँ, 100 का बेचता हूँ, ये क्या हुआ? ये वेरिएबल कॉस्ट है। मतलब क्या, काम ज्यादा करूंगा तो खर्चा बढ़ेगा, काम कम करूंगा तो खर्चा घटेगा, यस नो? छोड़ो एक बार इसको, मान लो मैंने बोला मैं डोमिनोज की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ, देते नहीं है वो लोग, बट मान लो आई हैड अ कनेक्ट, डोमिनोज गिव्स मी देयर फ्रेंचाइजी, मुझे बताना धंधा किस तरीके से चलेगा? डे वन पे द रेंट इज फिक्स्ड, ये मान लो दिस इज डोमिनोज स्टोर फॉर यू, इसका लाख रुपए का रेंट दे रहा हूँ, ये देना ही देना है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक यूनिट भी बिके या नहीं बिके, एक पिज्जा नहीं बेचा पूरे महीने, फिर भी लाख रुपए किराया देना है। बट पहले दिन पे 10 यूनिट्स की सेल हुई है, पहले दिन में 10 पिज्जा बेचे तो खर्चा कितने पे आया होगा? 10 पिज्जा पे जितना आटा लगा होगा, जितनी जितनी फिलिंग्स चीज दिस दैट जो भी पर यूनिट बेसिस पे लगेगा वो कॉस्ट जाएगी, यस नो? अगर सेल ज्यादा होगी दिस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विल बी हायर, इफ आई हैव नो सेल्स प्रैक्टिकली दिस विल बी जीरो, यस नो? मुझे एक बात बताना, कैन यू कंप्यूट दिस फॉर मी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये लाइन को पॉपुलेट कर पाएंगे आप? कैन यू फिल दीज दीज हाईलाइटेड पोर्शन फॉर मी, ये पूरा जितना हाईलाइट किया ऐसे फिल कर पाएंगे आप? अगर 0 यूनिट सेल करता हूं तो क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी, 100 यूनिट्स करता हूं तो क्या कॉस्ट होगी, 1000, 2000, 5000? इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द टोटल कॉस्ट? इफ दिस इज द स्ट्रक्चर, व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? हाउ मेनी ऑफ अस सेव, हमसे ये हो जाएगा? अरे मैं एक बार समझा दूं फिर रिबटल्स ले लूंगा, नॉट टू वरी। लेट्स से आई बाय गुड्स फॉर 60 रुपीज पर यूनिट, आई सेल इट फॉर 100 रुपीज पर यूनिट, यू हैव टू टेल मी द टोटल वेरिएबल कॉस्ट फॉर ऑल दीज 5 ईयर्स। ये फिल करो, ये फिल करने हैं आपको ग्रीन वाले बॉक्सेस, दो जो हाउ मेनी ऑफ अस थिंक हो जाएगा हमसे ये? आई थिंक इट वाज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, हो जाना चाहिए था ये। आई हैव सेड इफ इन द वेरी फर्स्ट ईयर यू आर नॉट एबल टू सेल वन सिंगल यूनिट, आपकी कोई कॉस्ट ही इनकर नहीं हुई, प्रैक्टिकली देयर इज नो कॉस्ट, ठीक है? मुझे पता है बहुत लोगों को क्या डाउट होगा, पीपल माइट बी थिंकिंग दैट बॉस मैंने 5 लाख का माल खरीद लिया, आई वॉज नॉट एबल टू सेल एनीथिंग, बट स्टिल दिस 5 लाख इज अ कॉस्ट, नो? द आंसर इज नो, इट्स नॉट अ कॉस्ट, इट्स नॉट अ कॉस्ट, द फैक्ट रिमेन्स आपने माल खरीदा, लेट्स से इसे छोड़ दीजिए, लेट्स से आई वुड हैव बॉट अ कार वर्थ ₹5 लाख ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माई बिजनेस, मैंने कार खरीदी होती 5 लाख रुपए की, तो आप उसे 5 लाख की कॉस्ट बोल देते क्या? नो, मैंने आज जैसे आई स्टार्टेड दिस बिजनेस टुडे, मैंने डैड से 5 लाख रुपीज लिए, आई वेंट टू द मार्केट, आई बॉट अ कार फॉर ₹5 लाख एंड दैट्स केप्ट इन माय वेयर हाउस, ही विजिट्स द वेयर हाउस, उन्होंने बोला हाँ बता भाई क्या धंधा चल रहा है, मैंने कहा अभी धंधा नहीं किया, मुझे टूर पे जाने के लिए कार लगी, मैंने कार खरीद ली, इज दैट एन एक्सपेंस? द आंसर इज नो, क्यों? बिकॉज ये 5 लाख रुपए की जो कार खरीदी है तो अगले 2, 5, 10 साल मेरे को सर्व करती रहेगी ना, आई विल बी यूटिलाइजिंग द बेनिफिट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, तो आई कैन नॉट कॉल दिस एज एन एक्सपेंस। सिमिलरली व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स दैट यू हैव परचेज, आपने जो सामान खरीदा वो डे वन पे, ऐसा थोड़ी है कि आप उसको खर्चा गिन लोगे, मेरे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है ना, वो आगे चल के उसी को तो बेचूंगा ना धीरे धीरे, तो जैसे जैसे बेचूंगा वैसे वैसे मेरी सेल्स काउंट होंगी, वैसे वैसे खर्चा काउंट होगा, ठीक है? अभी के लिए सिंपलिस्टिक रखते हैं, आप ये मान लो कि मुझे जैसे ही ऑर्डर मिलता है मैं उसी समय मार्केट में जाके सामान खरीदता हूं, अगर आपको ये माइंड में क्लटर कर रहा है तो आप समझ लीजिए मैंने ऑनलाइन शॉप, मैंने कोई स्टोरी नहीं खोला है, मैंने ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म बनाया, वहां पे आर्टिकल्स पोस्ट कर दिए, फोटोज लगा दी उसकी, जैसे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बच्चे करते हैं, ठीक है ना, बोले हाँ कौन सा जूता पसंद है बता दो, जैसे ही जूते का ऑर्डर मिला फिर दौड़ भाग के लेके आते हैं, मान लो मैं भी वही धंधा कर रहा हूँ, इन द वेरी फर्स्ट ईयर आई डिड नॉट गेट वन सिंगल ऑर्डर ऑन माई इंस्टाग्राम पेज, विल आई गो आउट देयर टू बाई एनी शूज? नो, तो मैंने कुछ, मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला, मैंने कोई माल नहीं खरीदा, माई कॉस्ट विल बी जीरो, यस नो?
सेकेंड ईयर में 100 जोड़ी का ऑर्डर मिला, 100 यूनिट्स का ऑर्डर मिला, मैंने 60 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से 6,000 रुपए खर्चे। सेकेंड ईयर 60,000, थर्ड ईयर 1,20,000, लास्ट ईयर 3 लाख। यस नो एनी डाउट्स ओवर हेयर प्लीज आस्क, एनी डाउट्स ओवर हेयर प्लीज आस्क। बहुत सारे लोग मुझे आंसर बता रहे हैं 60 माइनस 100 माइनस 40 बता रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैं तो वेरिएबल कॉस्ट पूछ रहा हूं, आपकी कॉस्ट कितनी लगी है, ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या चीजें आ रही है, द कॉस्ट ऑफ बाइंग, दैट्स इट, दैट्स योर वेरिएबल कॉस्ट। यस नो, मुझे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बताओ कि कितना आएगा। अच्छा द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी 60। यस नो, एक स्टेटमेंट लिखिए अपनी नोटबुक में, वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑन अ पर यूनिट बेसिस इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स बोल सकते हो आप यहां पे। ट्रू, फिक्स्ड कॉस्ट क्या थी, टोटल बेसिस पे कांस्टेंट थी। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, पर यूनिट बेसिस पे कांस्टेंट है। आर वी 100% क्लियर अबाउट द नेचर ऑफ कॉस्ट, यस नो? क्लियर है, क्लियर है तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आंसर दीजिएगा। लेट्स से इसको छोड़ दीजिए, यहां पे जो कॉस्ट लिखी है इसको छोड़ दो। लेट्स से आई हैव अ सेल्समैन जिसको मैं 10,000 पर मंथ, आई पे हिम 10,000 पर मंथ। एज सैलरी, सर ये सैलरी है कि वेज, अभी के लिए मैं जो बोल रहा हूं मान लो, दिस 10,000 रुपीज इज पेड एज सैलरी टू हिम। टेल मी इज दिस माई फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट? पक्का पक्का श्योर? मैंने बंदा रखा, मैंने कहा भैया आपको पूरे साल मेरे साथ काम करना पड़ेगा, आप ये माल बेचेंगे, यू आर द सेल्समैन, आई पे यू 10,000 पर मंथ। तो मैं उन्हें साल में कितने पैसे देने आ रहा हूँ, 10K × 12, 1.2 लाख फॉर दिस ईयर, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पर यूनिट थिंग। यस नो, ये क्या हुई, फिक्स्ड कॉस्ट। एक्सटेंड कर रहा हूं अपने एग्जांपल को, आई टेल हिम दैट बॉस एनी सेल दैट यू डू, आप जितनी भी सेल करोगे उसका 1% आई विल गिव यू एज इंसेंटिव। ये क्या हुआ, वेरिएबल कॉस्ट? क्यों? बिकॉज इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज दैट माय पर यूनिट पीस इज चेंजिंग, ही विल गेट मनी ओनली इफ द परफॉर्मेंस कम्स। यस नो? तो अगर आपसे कोई एग्जांपल पूछा जा रहा है या कोई भी डिस्कशन हो रहा है ऑन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट, योर माइंड शुड ओनली आस्क विल दिस कॉस्ट रिमेन कॉन्स्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। इफ द आंसर इज यस देन इट्स अ फिक्स्ड कॉस्ट, अगर टोटल बेसिस पे सेम रहने वाला है तो वो फिक्स कॉस्ट है। दिस गाय इज गोइंग टू गेट 1,20,000 इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेल्स। मैं पूरे के पूरे साल धंधा ही ना करूं तो भी 1,20,000 रुपए तो मैं इसको दूंगा ही दूंगा, बट मैंने इसे कह दिया कि मैं तुझे 5 रुपीज पर यूनिट दूंगा, आई विल पे यू 5 रुपीज पर यूनिट। तो एक सेकेंड रुको, ये वेरिएबल कॉस्ट जहां लिखी थी ना इसको मैं लिख देता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स। दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड्स पर यूनिट, ठीक है ना? लेट्स से आई वुड हैव सेड, हाँ, सेल्स कमीशन, सेल्स कमीशन, ठीक है ना? और मैंने इसे सेल्स कमीशन क्या बोला, ₹1 या ₹2 पर यूनिट, जितने गुड्स बिकेंगे उसके हिसाब से ₹2 दूंगा, ठीक है? अब मुझे बताना मैं इसे कितने पैसे देने वाला हूं।
इज गोइंग टू बी टू इन टू ही इज गोइंग टू गेट दिस नंबर, यस नो? पर यूनिट बेसिस पे बोलूं तो क्या होगा? द पर यूनिट नंबर इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट. तो एक बार क्लोज कर लेते हैं पूरे डिस्कशन को. वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल और पर यूनिट. वेरिएबल कॉस्ट टोटल बेसिस पे कॉन्स्टेंट होगी या डिफरेंट होगी? दिस विल बी डिफरेंट. और पर यूनिट बेसिस पे कॉन्स्टेंट. फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ऑन टोटल बेसिस विल बी कॉन्स्टेंट एंड ऑन पर यूनिट बेसिस विल बी ओके. यहां तक के कोई फ्रिक्शन है तो पूछिए. Any friction till this point, please ask. अच्छा अब बताना, true or false? Fixed cost per unit will decrease as the number of units increase. True. True. Correct. आप लोग ये concept पढ़ के हैं class 11th और 12th में. You used to call it the economies of scale. Economies of scale का क्या मतलब था? यही तो था exactly. कि आप जैसे जैसे नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ा दें तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बहुत कम हो जाता है और आपके मार्जिन इंक्रीज हो जाते हैं. सर ये लास्ट पार्ट नहीं समझ आया. अभी प्रैक्टिकली कुछ केस स्टडीज करेंगे तो आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी इस पे, नॉट टू वरी. अच्छा बोलना, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल डिक्रीज as the number of units increase. This is also economies of scale. True or false? False. ये नहीं है economies of scale. ये नहीं है. Someone will challenge it. आगे चल के पता चलेगा कि variable cost में क्या opportunities रहती हैं, क्या रहता है. But जितना अभी तक के पढ़ा है, basis that understanding आपको ये समझ आना चाहिए कि fixed cost per unit decrease होता रहेगा, variable cost per unit same रहेगा. हाँ या ना? Sure. Okay. चलो एक बार इस एग्जाम्पल को यहीं पर ही पॉज करता हूं. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस, देन आई एम गिविंग यू अ स्मॉल केस स्टडी. यू हैव टू थिंक नॉट लाइक एन अकाउंटेंट, यू हैव टू थिंक लाइक अ बिजनेसमैन, यू हैव टू थिंक लाइक एन एनालिस्ट एंड यू विल बी एबल टू आंसर. ठीक है, लेट्स से लिखो. आपको नॉर्मली समझ आएगा. ये जो एग्जाम्पल यहां पे केस क्या था, रेंट था 1 लाख रुपए का, करेक्ट? क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा. इसी क्वेश्चन में एक वेरिएशन पूछ रहा हूं आपसे, ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा. लेट्स से आई गो टू माय डैड एंड टेल हिम दैट बॉस मेरे को ना धंधा करने का है, तो मेरे को ये शॉप पसंद आई है करोल बाग में, इसका 1 लाख रुपए रेंट बोलते हैं, मैं दे दे रहा हूँ. माई डैड टेल्स मी कि जिस शॉपिंग मॉल में तू ये देख रहा है ना, वहां पे देर आर टू वेज यू कैन पे दिस रेंट. या तो 1 लाख रुपए का रेंट दे दे, नहीं तो दे ऑल्सो ऑफर 20% ऑफ सेल्स एज द रेंट. बहुत सारे मॉल्स में सिस्टम है दिल्ली में, ये डीएलएफ साकेत वगैरह जाएंगे ना, जितने हाई फाई मॉल्स देखेंगे, दीज मॉल्स आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ देयर ओन सेल्स. वो दुनिया को बोलते हैं भाई, जैसे किंग्स कुल्फी को बोलेंगे कि तू कहाँ धंधा करता है, करोल बाग, तिलक नगर, रजौरी, कह रहे वहां जो 50 की कुल्फी बिकती है ना, ओवर हेयर यू कैन सेल इट फॉर 100 बक्स. उनका ये बताने का क्या एम रहता है, वो बोलते हैं देख दिस मॉल डीएलएफ साकेत एम्बियंस, दीज आर प्रीमियम मॉल्स. ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सेल द सेम थिंग्स एट अ हायर कॉस्ट, तो इसीलिए हम तुझसे रेंट ज्यादा लेंगे. ये एम्बियंस किसने क्रिएट किया? हमने क्रिएट किया ना. यहाँ पे सुपर रिच क्लास ऑफ दिस कंट्री इज कमिंग फॉर शॉपिंग, दे डोंट माइंड स्पेंडिंग. ये लोग खूब खर्चा करेंगे, तो इनको 50 रुपए की कुल्फी बेच 100 रुपए की, दे विल बी वेरी हैप्पी टू हैव इट. बिकॉज हम ऐसे लोगों को यहाँ पे केटर कर रहे हैं, हमने उस टाइप के खर्चे कर रखे हैं, वैसी मेंटेनेंस करते हैं यहाँ की, दैट्स वाई द रेंट विल बी हायर. नाउ माई डैड टेल्स मी कि ये जो तू 1 लाख रुपए रेंट दे रहा है ना, तूने जो पता किया 1 लाख रुपए रेंट, येस दैट इज देयर, बट देयर इज वन मोर ऑप्शन. ये 1 लाख रुपए का रेंट किसको देने वाला है? आई टोल्ड हिम मैं डीएलएफ के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, आई विल पे डीएलएफ रेंट ऑफ रुपीज 1 लाख पर एनम.
He's telling me that instead of this 1 lakh per annum, you can also negotiate for a rent of 20% ऑफ सेल्स. जितनी तेरी सेल होगी उसका 20% दे दियो डीएलएफ को, उनको चलता है. ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है. मुझे बताओ मैं अपने फर्स्ट ईयर में कौन सा वाला कॉन्ट्रैक्ट करूं, फिक्स्ड ये वाला कॉन्ट्रैक्ट करूं रेंट 1 लाख पर एनम, या ऑप्शन नंबर टू. ऑप्शन नंबर टू रेंट पर एनम, ऑप्शन टू. शुड आई गो विथ ऑप्शन वन 1 लाख पर एनम, या फिर द सेकेंड पीस इज 20% ऑफ सेल्स. ऑप्शन इफ आई गेट दिस ऑप्शन और मेरे फर्स्ट ईयर की सेल जीरो है, तो मैं क्या चाहूंगा यार. सेल्स का 20% दे देते हैं, माल बिकेगा तो ले लियो 20%, है ना. आई एम टेलिंग, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप. लास्ट इवनिंग लेट नाइट आप लोगों के हिसाब से, बट लास्ट इवनिंग एज दे कॉल इट, आई वॉज हैविंग एन इंट्रैक्शन विथ अ पर्सन हु हैज ब्लडी गुड कनेक्ट इन यूएस कैपिटल मार्केट. ही हेल्प पीपल रेज मनी, ठीक है. वो ही क्लेम दैट, और मैंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन ऑलरेडी करा रखा था उसका. ही हैड वेरी गुड कनेक्ट. हिज फादर वॉज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब हिज फादर हैड वर्क इन गोल्डमैन सैक्स. ही वॉज द एमडी ऑफ गोल्डमैन सैक्स एंड हैड स्पेंट 35 ईयर इन गोल्डमैन सैक्स यूएस. बड़ी चीज थी, ठीक है ना. उसके बेटे से डीलिंग चल रही थी मेरी. वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फैक्ट दैट ही वुड हेल्प मी रेज फंड्स फॉर अ प्रोजेक्ट गोइंग ऑन इन इंडिया. कुछ डेरिवेटिव्स कुछ एफएनडो में हम कर रहे हैं, तो हम दैट्स व्हाई आई रीच आउट टू हिम कि यार हमारी हेल्प करो, दिस इज द स्ट्रेटेजी, दिस इज हाउ मच वी आर मेकिंग, हेल्प अस रेज फंड्स. ही सेड ग्रेट सही है. ही सेड माई फीस इज $500,000. पूरी की पूरी मीटिंग इस बात पे कर रहे थे हम कि भाई ये $500,000 ठीक है हमें, तू हाफ को छोड़, हम 0.7, मतलब वी आर रेडी टू पे यू नॉट $500,000, वी आर रेडी टू पे यू $1 million और $0.75 million एज यू लाइक, बट द कंडीशन इज दैट वी विल नॉट गिव दिस टू यू अपफ्रंट एज फिक्स्ड फीस. तू जितने पैसे रेस कराएगा उसमें 2% 3% हमसे लेते जा, हमें कोई दिक्कत नहीं है. क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, इन द इनिशियल फेजेस ऑफ द बिजनेस यू डू नॉट वॉन्ट एनी फिक्स कॉस्ट ऑन योर सेल्फ. तुमने बोला मैं स्टार्टअप करूंगा, पहले दिन आगे फैक्ट एक स्टोर ले लिया रेंट पे, लाख रुपए का मीटर चालू, तुम्हारा नुकसान होना चालू हो जाएगा. इससे तो बहुत बेटर है ना, लेट से यू वॉन्ट टू सेल फुटवेयर्स, इससे तो बहुत बेटर है ना दैट यू अप्रोच समवन हु इज इन टू अपेरल्स. तुमने बोला तू कपड़े बेचता है, तेरे पास ये एक फ्लोर खाली पड़ा है, मुझे यहाँ बैठने दे दे. उसने कहा ठीक है मेरा लाख रुपया रेंट, तू 20,000 दियो. कह रहे नहीं 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 रेंट मैं नहीं दे सकता, मेरे पास माल पड़ा हुआ है, प्रोडक्ट्स विथ माई सेल्फ, वॉट एवर आई विल सेल आई विल गिव यू 25% ऑफ इट. अच्छी डील है. वो बोलेगा हाँ ठीक है, बैठे बैठे जितना एक्स्ट्रा मिल जाए उसको भी. येस नो, इन द इनिशियल डेज ऑफ द बिजनेस यू डू नॉट वॉन्ट एनी फिक्स्ड कॉस्ट. हाँ या ना, आपको क्या चाहिए, जितना पैसा आए तो इसमें से जो काटना है काट ले, कोई टेंशन नहीं है. करेक्ट. फिक्स्ड कॉस्ट कब अच्छी लगती है, जब नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए. लेट से इफ आई एम एबल टू, लेट से इफ आई एम एबल टू रीच अ पोजिशन वेयर आई एम सेलिंग, लेट से आई एम एबल टू रीच अ पोजिशन वेयर वी आर सेलिंग दीज मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स. थोड़े से कम भी कर लेते हैं भले, कुछ बहुत ज्यादा हो गया. हाँ, द नंबर इज वे टू हाई. ठीक है, इफ लेट से आई एम एबल टू सेल 5 लाख यूनिट्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी हो चुकी है, वेरी वेरी स्मॉल. येस नो, प्रैक्टिकली मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर मुझे इफ आई हैव टू जस्ट पे 1,60,000, 1 लाख रुपी एज रेंट एंड 60,000 रुपीज एज इंटरेस्ट, एंड आई एम एबल टू सेल 5 लाख यूनिट्स, देन प्रैक्टिकली मेरी तो कॉस्ट ही कुछ नहीं बन रही पर यूनिट. यस नो, तो आई लाइक टू बी इन अ फिक्स कॉस्ट अरेंजमेंट इफ माई नंबर्स आर वेरी बिग, बट इफ माई नंबर्स आर स्मॉल
इफ आई एम इन द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द बिजनेस आई लाइक वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर, हाँ या ना? यहां तक कि अगर कोई फ्रिक्शन है तो प्लीज पूछिए. एक बार वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या चीजें आ रही थी देखना. वेरिएबल कॉस्ट में हमने लिखा था एग्जाम्पल, दिस वॉज रॉ मटेरियल, करेक्ट. मैं जितना यूनिट्स खरीदूंगा उतने यूनिट्स, जितने यूनिट्स बेचने हैं उतना यूनिट्स खरीदना पड़ेगा, ठीक है. एंड ओवर हेयर इट वॉज रेंट और इंटरेस्ट. अभी के लिए दो चीजें लिखी थी, करेक्ट. आपको दुनिया में जितनी भी डिफंक्ट कंपनीज दिखेंगी, एनी कंपनी दैट हैज मेस्ड अप बिग टाइम वुड हैव मेस्ड अप बिकॉज ऑफ हाई फिक्स्ड कॉस्ट. एनी कंपनी दैट यू कैन इमेजिन, वेरिएबल कॉस्ट इनकर करने के वजह से यू डू नॉट गेट इन टू लॉसेस. वेरिएबल कॉस्ट इनकर करने के वजह से यू डू नॉट गेट इन टू लॉसेस. एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं, देखना. यही 1,60,000 रुपीज वाला था. इनफैक्ट एक काम करता हूं, मैं रेंट बोल देता हूं 1,50,000, दैट्स इट. द रेंट इज 1,50,000, ठीक है. मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स, सॉरी सेल्स प्राइस लिख दे रहा हूं, लेट्स से 220 पर यूनिट. आई एम गिविंग यू द फिगर्स, यू विल हैव टू कंप्यूट द प्रॉफिट फॉर मी. सेल्स इज, सेल्स प्राइस पर यूनिट इज 220 पर यूनिट. परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल पर यूनिट इज 250 कर लो, एंड दिस इज लेट्स से 150. ठीक है, दिस इज गुड. ये स्ट्रक्चर है, मुझे आपने बताना है व्हाट विल बी द प्रॉफिट इफ द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड आर. This is what you have to do. One final time I'm doing the whole thing. आपने प्रॉफिट कंप्यूट करना है. रेंट इज 1,50,000 पर एनम. सेल्स प्राइस पर यूनिट इज 250. परचेज कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल इज 100. एक साथ मुझे सबके प्रॉफिट्स निकाल के बताइए, देखना एक बार कि कैसे किया होगा आपने. आपने कुछ ऐसे किया होगा, यू सेड. एक बार टोटल गिन लेते हैं सबका, ऐसा कुछ किया होगा आपने. यू वुड हैव सेड ओके, सेल्स कितनी है ये बताओ भाई. सेल्स है 250 रुपीज पर यूनिट. For these many units, ठीक है, हो गया. Just one sec. यही सेल्स आ रही होंगी आपकी. ये कैसे आया है? 250 into 200, 250 into 400, 250 into 500, and so on and so forth. Yes, no. ठीक है ना, हाथ से करूं वो बेटर लगता है क्या आप लोगों, इससे समझ आ रहा है ना, इससे क्लीन रहता है. दैट्स द ओनली रीजन दैट आई एम यूजिंग दिस. सेल्स प्राइस पर यूनिट इज 250. आपने 300 यूनिट सेल किए, 250 into 300 इज 3000, इज 7,50,000, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, करेक्ट. ठीक है ना, कॉस्ट कितनी लग रही होगी, मतलब माल खरीदा कितने का होगा. It would be number of units is this multiplied by
हाँ या ना, ठीक है ना। ये कैसे किया, सेम 100 इंटू दिस, 100 इंटू 3000, यस नो श्योर विथ मी सो फार, ठीक है जी। और रेंट कॉस्ट दी होगी आपने, रेंट कितना दिया, यस नो। प्रॉफिट कितना आ रहा है, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस, ये आ रहा होना चाहिए आपका आंसर। सर ये नहीं आ रहा, फिर गलत आ रहा है। आर यू विथ मी सो फार, यहां तक कोई फ्रिक्शन नहीं, 100% श्योर। यहां तक के कोई डाउट्स हैं तो अभी पूछिए। टी या एफ, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज कॉन्स्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स। तो ये है बेटा, सर तो क्यों को क्वेश्चन तो लिखने की आदत डालो पहले सारे। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी स्ट्रक्चर 2 लिखना है, बोलना जी। कंट्रीब्यूशन मैं उनका आंसर दे रहा था, आप अपना बोलो। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन स्ट्रक्चर 2। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इन दिस केस, कंट्रीब्यूशन क्या था, इट वॉज सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, इज दिस अ वेरिएबल कॉस्ट, यस। इज रेंट अ वेरिएबल कॉस्ट एज वेल इन दिस केस, कितना है रेंट, इज इक्वल टू दिस इंटू 20%, यस नो। हर यूनिट के पीछे 50 रुपए का रेंट देना पड़ेगा ना, तो कंट्रीब्यूशन कितना है यहां पे, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस, क्योंकि यहां पे वेरिएबल कॉस्ट क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज 150। लिख लेते हैं भले ऐसा करके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 150, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, यस नो। रेंट मैंने सेल का 20% रेंट मैंने भी सेल का 20% लिया लिया, था, ये लो रेंट का 20% ही लिया मैंने भी, ठीक है ना। हाँ या ना, एवरीवन वाज एबल टू गेट दिस आंसर। सेकंड केस में कंट्रीब्यूशन है 100 रुपीज पर यूनिट, ठीक है, विद दिस बैकग्राउंड मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने बोला सेल्स वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन आ गया, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट इज ई बी आई टी डी ए, ठीक है। अदर कॉस्ट लिख लेते हैं, अदर फिक्स कॉस्ट लेस डी ए इज
या एक सेकेंड रुको यार, इससे भी डीए यहीं काउंट कर लो, छोड़ो लिख देता हूँ इंक्लूडिंग डीए। रुको देखना एक बार, ये लेजिबल है, पढ़ा जा रहा है याद से या मैं? ओके अब लेजिबल है, यू कैन रीड दिस क्लियरली करेक्ट। देखना एवरीवन ओवर हियर, 10 रुपीज की सेल्स है, 6 रुपीज की वेरिएबल कॉस्ट है पर यूनिट, ये पर यूनिट के केसेस दे रखे हैं। कंट्रीब्यूशन क्या होगा? 4 रुपीज पर यूनिट, यस नो? ठीक है, क्वांटिटी कितनी है? 15,000। ठीक है एक बार देखना, सॉरी क्वांटिटी कितनी है? 5,000, 5,500 एंड 4,400। अभी इसको छोड़ दीजिए आप, जस्ट इग्नोर यहां पे क्या लिखा हुआ है, यू शुडंट बी बॉदर्ड अबाउट दिस बिट। ये जैसे येलो हाईलाइट किया है इसे भूल जाइए अभी के लिए, ठीक है ना? इसे भूल जाइए, इसे भूल जाइए, ठीक है? आप सिर्फ और सिर्फ इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए, क्वांटिटीज 5,000, 5,500 एंड 4,000। ठीक है, तो आपका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना आ गया होगा? 4 × 5,000, 4 × 5,500, 4 × 4,000, करेक्ट विथ मी सो फार, जिससे आ गया ये फिगर्स 20, 22 एंड 16, करेक्ट? मान लो 15,000, लेट्स से 15,000 इज द फिक्स कॉस्ट, तो 20,000 लेस फिक्स कॉस्ट, आपका ईबीआईटी अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हुआ? 5,700 एंड 1,000। मैं नहीं लेता दोस्तों भी, 5,700 एंड 1,000, करेक्ट? यस नो? आर यू विथ मी सो फार? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट ये आ गया, और ईबीआईटी कैसे आया? कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ये आ गया। श्योर? यस नो? अब मुझे एक बात बताओ, इंटरेस्ट पहले एग्जाम्पल में देख के आए थे तो कॉन्स्टेंट ही रहता है। मान लो 20,000 रुपए का लोन था, देयर वाज अ लोन ऑफ 20,000 जिसपे आई एम पेइंग 10% इंटरेस्ट, सो माय फिक्स्ड इंटरेस्ट कॉस्ट विल रिमेन 2,000, यस नो? यस नो? माय ईबीटी इज दिस 3,000, 5,000 एंड -1,000, करेक्ट? इसके नीचे का पार्ट मैं अभी आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, इसको भूल जाइए। ईबीटी तक के सब कुछ क्लियर है इस एग्जाम्पल में, यस नो? आगे मूव करूं मैं, मुझे एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं ना 20,000 का लोन है और 10% का इंटरेस्ट है, ऑन अ 20,000 लोन देयर इज एन इंटरेस्ट ऑफ 10%, मुझे आंसर करिएगा। मेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? सिर्फ 15,000, सिर्फ 2,000, या 15 + 2 17,000? 17,000 है मेरा फिक्स्ड कॉस्ट, करेक्ट? 17,000 फिक्स्ड कॉस्ट है, जिसमें 15,000 रेंट के नेचर का है, 2,000 रुपए इंटरेस्ट के नेचर का है, लेकिन है दोनों ही फिक्स्ड, हाँ या ना? फिक्स्ड कॉस्ट इज अ रिस्क फॉर द बिजनेस इन द इनिशियल फेजेस, सेल हुआ चाहे नहीं हुआ, ये 17,000 तो देने ही पड़ेंगे, हाँ या ना? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है 20,000 का, ये टुवर्ड्स 15,000 आ रहा है या 2,000 आ रहा है या बोथ आ रहा है? तो कंट्रीब्यूशन इज टुवर्ड्स फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ विच नेचर, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे रेंट हो, करेक्ट? अब सुनना, जो रेंट के नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट है इसको आप बोलते हो ऑपरेटिंग, और जो इंटरेस्ट के नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट है इसको आप कहते हो फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग, नो वरीज, द टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ दिस बिजनेस इज 17,000, हाँ या ना? अभी मैंने बोला दो टाइप की फिक्स कॉस्ट है, एक रेंट है एक इंटरेस्ट है, अभी के लिए मान लो यही दो रिंग फिक्स कॉस्ट है, एक हो गया रेंट एक हो गया इंटरेस्ट, करेक्ट? एक हो गया रेंट एक हो गया इंटरेस्ट, इस एग्जांपल में दो ही है, फिक्स कॉस्ट क्या है? 15 या 2 या 17? 15, 2 और 17, ऑल 17 इज अ फिक्स कॉस्ट, चाहे रेंट हो चाहे इंटरेस्ट हो, है तो फिक्स ही, देने तो पड़ेंगे ही चाहे धंधा हो या ना हो। फिक्स कॉस्ट क्या था जो टोटल में सेम रहे, वो फिक्स कॉस्ट है।
तो क्या रेंट गिरेगा क्या इफ देर इज मोर सेल? नो. क्या इंटरेस्ट गिर जाएगा क्या इफ देर इज मोर सेल? नो. क्या इंटरेस्ट बढ़ जाएगा इफ देर इज मोर सेल्स? नो. तो द टोटल रेंट दैट आई हैव टू पे विल रिमेन कॉन्स्टेंट, द टोटल इंटरेस्ट दैट आई हैव टू पे विल रिमेन कॉन्स्टेंट. मेरे को अपने मकान मालिक को 15,000 रुपये साल का रेंट देना ही देना है, मैंने कोटक बैंक को 2,000 रुपये साल का इंटरेस्ट देना ही देना है, चाहे मैं सेल्स जीरो करूं चाहे मैं सेल्स करोड़ों की करूं, हाँ या ना? तो ये मेरी फिक्स कॉस्ट हुई, करेक्ट? अब सुनना, लेट्स से आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, मैंने बिजनेस किया, मैं इस सिनेरियो में हूं, ठीक है, इन दिस सिनेरियो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया और मुझे पहले ही साल में, मैं 30,000 का माल खरीदता था, 50,000 रुपए का माल बेच देता था, ठीक है, आई यूज टू बाय गुड्स वर्थ ₹30,000, या एक एक सेकेंड इस एग्जाम्पल को पार्क करता हूं, आपको एक बार मैं पहले ईबीआईटी सिखा दूं फिर वापस आऊंगा इस एग्जाम्पल पे, देखना, आई एम टीचिंग यू द कॉन्सेप्ट ऑफ ईबीआईटी, आई विल कम बैक टू दैट पीस, नॉट टू वरी. लेट्स से आई स्टार्टेड अ बिजनेस, आई एम प्लश विद फंड्स, मेरे पास बहुत पैसा है, इन दिस केस स्टडी आई हैव गॉट लोड्स ऑफ फंड्स, आई हैव माई ओन फंड्स ऑफ लेट्स से ₹10 लाख, मेरे पास 10 लाख रुपए खुद के पैसे हैं, मैंने इससे अपने फुटवेयर का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, द यूनिट इकोनॉमिक्स रिमेन सेम, मतलब मैं जितने का माल खरीदता हूं जितने का माल बेचता हूं वो वही है जो पिछले एग्जांपल में डिस्कस किया था. तो फॉर मी द परचेज कॉस्ट इज ₹60 पर यूनिट एंड द सेल्स प्राइस इज ₹100 पर यूनिट, ठीक है, ₹60 का परचेज प्राइस है, ₹100 की, ₹60 की परचेज कॉस्ट है, ₹60 की सेल्स प्राइस है, ठीक है, मैंने 1,000 यूनिट्स बेच दिए, दिस इज 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 100, ₹1,00,000 की सेल हुई, ₹60,000 की कॉस्ट आई, ठीक है ना, मुझे ₹40,000 बच गए, मेरी कोई और कॉस्ट नहीं है, दुकान भी मेरी खुद की, अब अमीर बन गया, ठीक है, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, इसके आगे फिक्स कॉस्ट की बात आई, मतलब रेंट, फिक्स कॉस्ट की बात आई, वो जीरो है, दैट इज जीरो, तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 40,000, करेक्ट, ओके, और मोदी साहब कह रहे हैं टैक्स वैक्स नहीं लेंगे करण जी आपसे, आप शरीफ आदमी हो, आपसे किस बात का टैक्स, ठीक है ना, मतलब शरीफों से टैक्स नहीं लेते, नहीं, सबसे लगता है मेरे ऊपर मेहरबान थे, एक सर द स्क्रीन नॉट विजिबल, सॉरी 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 सॉरी, मैं पूरा का पूरा दोबारा बोल दे रहा हूँ, सॉरी, माय बैड माय बैड, मैंने कहा इन दिस एग्जाम्पल आई हैव ₹10 लाख विद माई सेल्फ, मैंने यही धंधा चालू किया फुटवेयर्स का, इन दिस एग्जाम्पल मैं केस स्टडी बोल दे रहा हूँ, रेंट नो, लोन नो, ठीक है ना, ये करण सिंह रिच वाला एग्जाम्पल है, ठीक है ना, बहुत पैसा है, अपन ने धंधा चालू किया, 1,000 यूनिट्स बेचे, ₹60 पर यूनिट पे माल खरीदा, ₹100 पर यूनिट पे माल बेचा, तो ₹1,00,000 की सेल, ₹60,000 का एक्सपेंसेस, मतलब परचेज जो माल खरीदने के पैसे लगे थे, ₹40,000 कंट्रीब्यूशन और ₹40,000 ही मेरा प्रॉफिट हो गया, हाँ या ना, करेक्ट? आई टोल्ड दिस टू माई फ्रेंड, मैंने दोस्त को बताया कि भाई मेरा ऐसा ऐसा धंधा मैंने चालू किया, तू भी कर ले, बहुत प्रॉफिट है, कहाँ नौकरी वोकरी के झंझट में पड़ेगा, ₹40,000 ऐसे बच जाते हैं मुझे महीने के, उसने कहा हाँ, मैंने कहा हाँ, एक कहाँ से लेता है, मैं क्या करना है, करोल बाग से लेना है, रजौरी में बेच देना है, खत्म, डन, ही सेज ओके आई विल ऑल्सो स्टार्ट दिस बिजनेस, उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही सेड यार 10, उसने पूछा धंधा स्टार्ट करने के लिए पैसे कितने चाहिए, मैंने कहा ₹10 लाख चाहिए, माल 10 लाख का रखना पड़ेगा, मैं फिर कहां से लाऊं, मैं कहा और कौन देगा तुझे पैसे, तेरे पिताजी मेरे पिताजी मुझे नहीं देते, अच्छा आपने पिताजी से ले ले, तो उसने क्या किया, उसने लोन ले लिया, लोन को मैं लिख देता हूं एक बार अदर्स फंड्स, सर बाप को दूर कर रहे हो, कह रहे हो अलग, हाँ
एनी वन आउटसाइड ऑफ यू इज अदर्स, ठीक है ना। उसके पिताजी ने भी बोला इस पे ब्याज लूंगा 12% का, ठीक है। पैसे कितने डाले इसने, 10 लाख रुपए। रेंट इसको भी नहीं लगा, मान लो इसके पिताजी ने कहा भाई दुकान पड़ी हुई है फालतू, यही यूज कर ले, रेंट नहीं लगा इसको। लेकिन लोन में इसके पास हो गया यस। इन द वेरी फर्स्ट ईयर ही वॉज एबल टू सेल 1,000 यूनिट्स। इसने कितने का कितना माल बेचा होगा, व्हाट वुड बी हिज सेल्स? 1 लाख। व्हाट वुड बी हिज कॉस्ट? 60,000। व्हाट वुड बी हिज कंट्रीब्यूशन? हिज कंट्रीब्यूशन इज 40K, यस नो। हिज रेंट इज, एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड रुको, रेंट अलग काटते हैं। प्रॉफिट आफ्टर रेंट बोल दे रहा हूँ, अब यहाँ पे बोलता हूँ। प्रॉफिट ठीक है ना। मेरे केस में मुझे क्या प्रॉफिट हो रहा था, मुझे मैंने 40,000 रुपए कमाए थे, रेंट मैंने दिया नहीं, इंटरेस्ट मैंने दिया नहीं, मुझे क्या पड़ गया प्रॉफिट 40,000 का, करेक्ट। इन हिज केस इसका 40,000 का कंट्रीब्यूशन है, यस नो? स्क्रीन इज विजिबल करेक्ट इन दिस सिनेरियो? लेट्स से दिस इज केएस एंड दिस इज हिज रेंट, ठीक है। इसे रेंट कितना देना पड़ रहा है? प्रॉफिट ओके। प्रॉफिट आफ्टर रेंट इज 40,000। इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है? 1,00,000। 12% था। व्हाट विल बी द इंटरेस्ट? इज इट विल बी दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, 1,20,000। प्रॉफिट आफ्टर ऑल कॉस्टेस माइनस 80,000। क्या फर्क है हम दोनों के बिजनेस स्ट्रक्चर में? व्हाट एम आई डूइंग? आई एम इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर, ही इज इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ फुटवेयर। आर मार्जिन्स अपीयर टू बी सेम? हम लोग सेम टाइप का ही धंधा कर रहे हैं, वो मर कहां जा रहा है इंटरेस्ट दे दे के, हाँ या ना? करेक्ट, यस नो? सुनना, आपकी इनकम स्टेटमेंट के इतने पोर्शन को ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट बोलते हैं। ये जिसको मैंने अभी ग्रीन हाईलाइट किया है ना, ये पोर्शन जिसे मैंने अभी ग्रीन हाईलाइट किया है, या जैसे लेट्स से ब्लू हाईलाइट किया है, दिस पोर्शन इज द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ योर इनकम स्टेटमेंट। आपके बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी आपको यहां से एनालाइज होगी। क्या आप एक ऐसे बिजनेस में हैं विच इज एट द कोर ऑफ इट गुड, वो यहां से एनालाइज होगा। देखना, दिस पीस दिस ओवरऑल पीस हाईलाइटेड ब्लू एज ऑफ नाउ, जस्ट वन सेकंड, या हाईलाइटेड पर्पल एज ऑफ नाउ, दिस पीस इज द ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। सर इसका मीनिंग क्या हुआ, सुनना। दो कंपनीज को कंपेयर कर रहा हूं, लेट्स से विस्तारा एंड किंगफिशर एयरलाइंस। जब ऑपरेट करती होगी, मान लो किंगफिशर इवन व्हेन इट वाज इन ऑपरेशंस, द सेल्स प्राइस दिल्ली टू मुंबई का फेयर विस्तारा का या एयर इंडिया का या इंडिगो का या किंगफिशर का सिमिलर होगा या नहीं होगा? इट वुड बी सिमिलर।
इफ किंगफिशर इज ऑलवेज एट 10,000 एंड इंडिगो इज ऑलवेज एट 4,000, एवरीवन विल टेक इंडिगो. तो ऐसा तो नहीं होता था. द रेट्स आर कंपेरेबल. यस नो? ओके. दोनों के वेरिएबल कॉस्ट लगते होंगे. एयरलाइन इंडस्ट्री में क्या वेरिएबल कॉस्ट होगी? व्हाट वुड बी द वेरिएबल कॉस्ट इन द एयरलाइन इंडस्ट्री? सबको सबको फूड पे सबको फूड दे रहे, दैट इज द कॉस्ट. यस नो? फ्यूल्स लग रही है. अब वो फ्यूल ना चैलेंजिंग हो जाता है समझाना, बट चलो अभी के लिए फूड पकड़ लो. आपसे दूसरी चीज है, एक बार को ना टोटल ऑपरेटिंग पार्ट गिनते हैं, किंगफिशर का चाहे विस्तारा का टोटल खर्चा क्या क्या होगा. सारे के सारे दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट में अपने एयरक्राफ्ट खड़े करते हैं, उसका रेंट देते होंगे अदानी साहब को, करेक्ट? ठीक है, जिनके पास यहाँ दिल्ली में जीएमआर है तो वो जीएमआर को देते होंगे, बट इनका रेंट आ रहा है. यस नो? दे विल हैव देयर ओन स्टाफ, ग्राउंड स्टाफ रहता है, एयर हॉस्टेस है, फ्लाइट अटेंडेंट्स हैं, पायलट्स हैं. यस नो? ठीक है, और क्या कॉस्ट आ रही है? आपको फूड सर्व कर रहे हैं, फ्लाइट की मेंटेनेंस होगी, साफ सफाई, अंदर से कुछ टूट टाट गया, दिस दैट, बहुत सारे कंप्लायंस चेक होते होंगे. हर फ्लाइट खत्म होने के बाद कुछ टेस्ट होते होंगे ना जो फ्लाइट्स पे किए जाए, अदरवाइज तो रॉकेट के समान ही दिखे. हाँ या ना? मतलब दैट्स एन इंडस्ट्री जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये सारे के सारे टेस्ट होते होंगे. वो किंगफिशर के खर्चे और इंडिगो के खर्चे बहुत कंपेरेबल होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है कि किंगफिशर वॉज वेरी प्रीमियम, मे बी एयर इंडिया और इंडिगो वॉज नॉट दैट प्रीमियम, थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट मोर और लेस धंधे के लेवल पे सेम थे या नहीं थे? सेम थे. कोई भी दो ऑपरेटर सोच लो ना अपने माइंड में, कोई भी दो, एचयूएल वर्सेस आईटीसी, सेम होगा या नहीं होगा? सिमिलर टाइप है ना? थिंक ऑफ कोक वर्सेस पेप्सी, दोनों की सेल्स प्राइस बहुत कंपेरेबल है. ऐसा होता है कि कोक मिल रही है 10 की बॉटल, पेप्सी दे रहा है 4 रुपए की बॉटल? नॉट पॉसिबल. जो सस्ता देगा वो रह जाएगा, जो महंगा देगा वो एलिमिनेट हो जाएगा बिजनेस से, और जो जबरदस्ती सस्ता दे रहा होगा वो लॉस लॉस करा के मर जाएगा. यस नो? इनफैक्ट आप ओटीटी प्लेटफॉर्म्स देख लो, वेरी सिमिलर है ना? लेट्स से अमेजॉन प्राइम वर्सेस अ हॉटस्टार, वेरी सिमिलर. सबकी सेल सेम होती होंगी, सब लोग आपसे पर मंथ पर एनम कुछ ले ले रहे हैं, सबकी कॉस्ट सेम होती होगी, ये लोग जाके राइट्स खरीदते हैं. कोई भी चीज देख लीजिए, आप कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज देख लीजिए, सीएसके एंड मुंबई इंडियंस, दोनों के खर्चे सिमिलर होंगे ना? सब ब्रांडिंग पे पैसा लगा रहे हैं, सब प्लेयर्स को पैसा दे रहे हैं, सब लोग सेम सोर्स से पैसा कमा रहे हैं. यस नो? द कॉम्पिटिटर्स इन द सेम बिजनेस, द पीयर्स इन द सेम बिजनेस विल हैव सिमिलर सेल्स रेवेन्यूज, विल हैव सिमिलर कॉस्टिंग स्ट्रक्चर. यस नो? करेक्ट. ये किस लेवल तक सेम होगा? धंधे की बात तक सेम है. दो आईपीएल फ्रेंचाइजीज थी, मुंबई इंडियंस एंड आरसीबी, दो फ्लाइट्स थी, इंडिगो एंड केएफए. अगर धंधा खराब होता एयरलाइन का तो इंडिगो भी डूबता, लेकिन इंडिगो सरवाइव कर गया. क्यों? ऑपरेटिंग लेवल पे तो दोनों के प्रॉफिट सेम थे, धंधे के लेवल पे दोनों के प्रॉफिट सेम थे. यहां मेरे और मेरे फ्रेंड को देखो, धंधे के लेवल पे तो हम दोनों मोर और लेस सेम काम कर ले रहे हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट में मर जा रहा है. सेम थिंग हैपेंड टू किंगफिशर एयरलाइंस, सेम थिंग वुड हैव हैपेंड टू आरसीबी एज वेल, दैट्स व्हाई द प्रमोटर इज नॉट देयर एनीमोर. यस नो? मैं जितनी इंडस्ट्री बोलूं आपको सेम एग्जांपल दिखा सकता हूं. देयर इज अ स्टील कंपनी कॉल्ड टाटा स्टील, दे यूज्ड टू बी अ स्टील कंपनी कॉल्ड भूषण स्टील, उन्हीं के ब्रदर की एक कंपनी थी भूषण स्टील एंड पावर लिमिटेड, बीएसएल एंड बीएसपीएल, सुपर्ब कंपनीज इन टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज. ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मतलब धंधा जहां से दिखेगा वो यहां से दिखेगा. अगर धंधा अच्छा है तो ईबीआईटी, अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, या फिर जिसको आप ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं, वो अच्छा दिखेगा. सर दोबारा बोलो क्या बोलना चाह रहे हो. एक बिजनेस में दो टाइप के खर्चे हो सकते हैं, एक बिजनेस में दो टाइप के खर्चे हो सकते हैं, इधर वेरिएबल कॉस्ट, सॉरी, इधर ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंस कॉस्ट. ठीक है ना? ऑपरेटिंग कॉस्ट दो टाइप का हो सकता है, इधर वेरिएबल और फिक्स्ड.
और फाइनेंसिंग कॉस्ट 99% मतलब इन ऑल जनरल सर्कमस्टेंसेस फिक्स्ड ही रहेगा, ठीक है ना। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यहां से जज होगी। ओवरऑल धंधे पे प्रॉफिट पे इंपैक्ट तो ये दोनों का आने वाला है, लेकिन बिजनेस पर से अच्छा है या नहीं वो पता चलेगा ऑपरेटिंग लेवल पे प्रॉफिटेबल है या नहीं। अब देखना क्या होता था, भूषण स्टील 100 रुपए की कॉस्ट इनकर करता था, 250 रुपए का माल बेचता था तो 150 पर यूनिट कमा लेता था। इट वॉज सेलिंग लेट से 1000 यूनिट्स, तो इट हैड अ प्रॉफिट ऑफ, या इट हैड अ कंट्रीब्यूशन या सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग बोल रहा हूं मैं, ये सब जोड़ दूं, सेल्स लेस ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल दूं तो ये आ जाता था EBIT, ठीक है। ये धंधे की प्रॉफिटेबिलिटी तो अच्छी है, 2.5 लाख रुपए की सेल करता हूं, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कर लेता हूं, लेकिन इसने इंटरेस्ट लेके रखा हुआ था 1 करोड़ रुपए का, और 1 करोड़ पे 12% ये इंटरेस्ट पे करता था साल का, तो ये 12 लाख रुपए का रेंट पे करता था, सॉरी 12 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे करता था, उसकी वजह से ये 10.5 लाख रुपए का साल का लॉस इनकर करता था। आप इसको देख के क्या बोलोगे, स्टील का बिजनेस खराब है या नहीं? बिजनेस तो अच्छा है, तूने लोन बहुत उठा रखा है, सेकेंड वाला केस है ना, इट्स अ गुड बिजनेस विथ बैड कैपिटल स्ट्रक्चर, हाँ या ना? करेक्ट, ये बात आपको समझ आती है अच्छे से? हाउ मेनी ऑफ अस आर 100% क्लियर अबाउट दिस? शो ऑफ हैंड्स, कुछ डाउट्स हैं, फ्रिक्शन है तो बोलिए। आपको बिजनेस अच्छा है या नहीं ये जज होगा इस लेवल पे, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा लिख रहा हूं, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन लेस ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इज EBIT। EBIT को आप बोलते हो ऑपरेटिंग इनकम, ये ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट में क्या आ गया, रेंट आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, सैलरीज आ गई, सब कुछ आ गया, सारी फिक्स कॉस्ट जो भी ऑपरेटिंग नेचर की थी वो इसमें आ गई। तो धंधा अच्छा है या नहीं वो किससे जज हो रहा है, वो ऑपरेटिंग इनकम से जज हो रहा है। धंधा तो अच्छा है लेकिन हमने क्या किया है, हमने लोन बहुत ले रखा है, तो इसके नीचे जब हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं हम इसके नीचे जब इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो EBT और EAT बोल लो, अभी के लिए मान लेता हूं देर आर नो टैक्सेस, ये जो इंटरेस्ट है ये फाइनेंसिंग पोर्शन ऑफ द बिजनेस है, ऊपर वाला ऑपरेटिंग पार्ट था, ये फाइनेंसिंग वाला पार्ट है, दिस इज द फाइनेंसिंग पार्ट एंड दिस वाज द ऑपरेटिंग पार्ट। बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या बिजनेस की एफिशिएंसी जज करनी है तो यहां से करो, ठीक है। यहां तो क्या हो रहा है, आपने बिजनेस की फंडिंग कैसे की है उस पर डिपेंड करेगा ओवरऑल सिनेरियो, आर वी गुड? अरे यार सॉरी सॉरी सॉरी, दोबारा कर रहा हूं, दोबारा कर रहा हूं, माय बैड माय बैड। आई एम सेइंग सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इज कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन में से ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट काटा, मेरा आ गया EBIT और ऑपरेटिंग इनकम, ये जो ऊपर वाला पार्ट है दिस पोर्शन विच इज इन पिंक एज ऑफ नाउ इज द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द बिजनेस। अगर मैं आपसे ये पूछूं बता धंधा अच्छा है या नहीं, तो आपको इसके नीचे देखने की जरूरत नहीं है। भूषण स्टील वॉज अ ब्यूटिफुल बिजनेस, टाटा स्टील ने देखा, उसने बोला यार अच्छा खासा धंधा है, इसने अनाप शनाप लोन ले रखे हैं, अनाप शनाप लोन ले रखे हैं इसने, अदरवाइज तो ये धंधा अच्छा हो जाता। तो भूषण स्टील ने क्या बोला, सॉरी टाटा स्टील ने क्या बोला, भाई ये पूरा का पूरा धंधा मैं खरीद लेता हूं, धंधा तो प्रॉफिटेबल है ना, मैं तुझे पैसे दे देता हूं, अपना लोन चुका दे जाके। अगर धंधा ही मरा पड़ा होता कि 100 रुपए की परचेज कॉस्ट है और सेल करते हो 70 रुपए की, तो वो एंटर ही नहीं करता इस धंधे में, हाँ या ना? आर वी गुड टिल दिस पॉइंट? श्योर, इन दिस केस माई फ्रेंड ही सॉ द अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस बिकॉज ही सेड ओके धंधा तो प्रॉफिटेबल है, 40,000 का प्रॉफिट तो आ ही रहा है ना,
40,000 प्रॉफिट यू आर गेटिंग ऑन अ सेल ऑफ ₹1 लाख, सो 40% प्रॉफिट मार्जिन है, लेट मी डू दिस बिजनेस. बट वेन ही स्टार्टेड इट ही गॉट स्क्रूड. वाई? बिकॉज ही हैड टू टेक बिग टाइम लोन टू डू दिस बिजनेस. आई हैड नॉट इनकर्ड एनी इंटरेस्ट. तो धंधा अच्छा है या नहीं है? अच्छा है, लेकिन वो बंदा नहीं चला पाएगा बिकॉज उसको इंटरेस्ट की कॉस्ट मार डालेगी. श्योर, आगे मूव करें. सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन. व्हाई इज दिस कॉल्ड कंट्रीब्यूशन? बिकॉज ये फिक्स्ड कॉस्ट की तरफ कंट्रीब्यूट कर रहा है. लेस फिक्स्ड कॉस्ट ऑपरेटिंग. ऑपरेटिंग नेचर की फिक्स्ड कॉस्ट है जो, उसको भी माइनस कर दूं तो आ जाता है ऑपरेटिंग इनकम. ठीक है जी, विथ मी सो फार. अब इसके नीचे क्या चालू हो जाता है? इसके नीचे ये है इंटरेस्ट. ये क्या हो गया? इंटरेस्ट इज फिक्स्ड कॉस्ट फाइनेंसिंग नेचर की. बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी इसको देख के जज नहीं की जा सकती है. अ बिजनेस मतलब द प्रॉफिटेबिलिटी और द वायबिलिटी ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी जज्ड बाय लुकिंग एट द फाइनेंसिंग कॉस्ट. ठीक है ना? तो मैं यहां बोल रहा हूं ये फिक्स्ड कॉस्ट है फाइनेंसिंग नेचर. और ये फिक्स्ड कॉस्ट है ऑपरेटिंग नेचर. मुझे इस स्टेटमेंट में बेस केस में आंसर बोलिएगा. मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 15,000 प्लस 30,000. हाँ या ना? हाँ या ना? मेरा टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 15,000 प्लस 30,000, 45,000. यहां पे बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं. बीकॉम बीबीए में इसको पूरा का पूरा आंख बंद कर दिया जाता है. नाउ इज द टाइम लेट सॉलिडिफाई आवर कॉन्सेप्ट ब्यूटिफुली. आपने टोटल किया सेल 50,000 का. व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? 30,000. व्हाट इज द फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट? 15,000. व्हाट इज द फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट? 2,000. टोटल खर्चा तो 30 प्लस 15 प्लस 2 47 का हुआ है, तभी 3,000 का प्रॉफिट आ रहा है. यस नो? वेरिएबल कॉस्ट कितना है? 30,000. फिक्स्ड कॉस्ट कितना है? 15 प्लस 2 17,000. क्वेश्चन, ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना है? 30 प्लस 15 45,000. हाँ या ना? श्योर, कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए इस पे. वेरिएबल कॉस्ट ऑपरेटिंग नेचर का होगा या नहीं होगा? ऑपरेटिंग नेचर का क्या मतलब होता है? एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू डू द बिजनेस. मैं रेस्टोरेंट चला रहा हूं, मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? लेट्स से आई एम इन द लेट्स से आई एम मैकडीज. मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? बर्गर के बंस मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, उसके अंदर आलू टिक्की मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, चीज मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, लेटस मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट है, कोक खरीद रहा हूं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी. यस नो? सैलरीज बांट रहा हूं वो ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी. अभी तक के जितनी कॉस्ट बोली थी सैलरीज को छोड़ के, वो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी वेरिएबल नेचर की. सैलरी क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है फिक्स नेचर की. रेंट मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी फिक्स नेचर की. ठीक है, अगर कोई बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है तो वो एक्सपेंसेस जो वो इनकर करने से खुद को रोक ही नहीं सकता, जो उसके डे टू डे सर्कमस्टेंसेस में होंगे ही होंगे, वो है ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस. करेक्ट. बैंक के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होगी? सैलरीज, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट बैंक के लिए ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी या नहीं होगी? यस. बैंक का तो काम ही क्या है? ब्याज लेना ब्याज देना. लेकिन क्या इंटरेस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी मैकडीज के लिए? नो. क्योंकि मैकडीज का क्या धंधा है? बंस खरीदने हैं, टिक्कीज खरीदनी है, कंबाइन करके बेच देना है बर्गर. हाँ या ना? क्लोज कर रहा हूं पूरा का पूरा डिस्कशन, ध्यान दीजिएगा. आपको अभी मैंने जो बिजनेस दिखाया था उसमें 50,000 की सेल हुई थी,
उसके बाद आपने 30,000 रुपीज का मटेरियल कॉस्ट इनकर किया था, ठीक है? 30,000 वॉज द मटेरियल कॉस्ट, यही था ना अभी जो एग्जाम्पल दिखाया था उसमें? 30,000 वॉज द मटेरियल कॉस्ट, 15,000 वॉज द रेंट, रेंट, और 2,000 वॉज, 2,000 वॉज इंटरेस्ट। प्रॉफिट कितना होगा? इज इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। ठीक है, इसका नेचर आपने बताना है, वेरिएबल और फिक्स्ड। ये मटेरियल कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स्ड, वेरिएबल रेंट वेरिएबल और फिक्स्ड, फिक्स्ड इंटरेस्ट वेरिएबल और फिक्स्ड, फिक्स्ड। अब आपने बताना है ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग, मटेरियल ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग? ऑपरेटिंग, फिक्स्ड रेंट ऑपरेटिंग, ये ठीक है ना? मैं कैंडिडेट से कोई भी इनमें से एक चीज पूछता हूँ, वो दोनों की खिचड़ी पका देते हैं, ये दोनों अलग अलग डिस्कशन चल रहे हैं, ठीक है? क्या हो रहा है, मैं क्यों चेंज करता हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, सेल्स 50,000, मटेरियल कॉस्ट वॉज 30,000, रेंट वॉज 15,000, इंटरेस्ट वॉज 2,000। ये यहां से कॉपी किया है, सेल 50,000, वेरिएबल कॉस्ट 30,000, फिक्स कॉस्ट 15,000, इंटरेस्ट इज 2,000। आई हैव जस्ट कॉपीड दिस ओवर हेयर एंड आई एम सेइंग द प्रॉफिट इज 3,000, करेक्ट? द प्रॉफिट इज 3,000। आपने बताना है कौन से प्रॉफिट, कौन सी कॉस्ट का क्या नेचर है, वेरिएबल है कौन सा और फिक्स्ड है कौन सा? तो मटेरियल हो गया वेरिएबल कॉस्ट, क्यों? क्योंकि पर यूनिट चेंज होता, सॉरी पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहेगा, पर यूनिट कॉन्स्टेंट रहेगा, है ना? 10 रुपए का बन लेता हूँ, 30 रुपए का बर्गर बेचता हूँ, तो 10 रुपए के बन की कॉस्ट तो रहेगी ही रहेगी। 10 बेचूंगा तो 100 रुपए दूंगा, 1,000 बेचूंगा तो 1,000 × 10, सो ऑन एंड सो फोर्थ, यस नो? सो मटेरियल कॉस्ट इज वेरिएबल, रेंट कॉस्ट इज फिक्स्ड, वो तो देना ही देना है रेंट, 1,50,000 रुपए यहाँ का रेंट है तो देना ही देना है, इंटरेस्ट देना ही देना है, जैसे ही लोन लिया देना ही पड़ेगा इंटरेस्ट, यस नो? अब ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग में क्या देख रहे हैं, जब वेरिएबल फिक्स सोच रहे थे तो ये सोच रहे थे कि क्या ये कॉस्ट बढ़ेगी घटेगी क्या नंबर ऑफ यूनिट्स के चेंज होने पे। ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पे क्या सोच रहे हैं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग पे क्या थिंकिंग है, कि या क्या ये कॉस्ट बिजनेस की कॉस्ट है या नहीं है? तो अगर मैं पिज्जा या बर्गर का बिजनेस कर रहा हूं, तो बंस खरीदना, चीज खरीदना, टॉपिंग्स खरीदना इज माई ऑपरेटिंग कॉस्ट, सैलरी इज माई ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेट्स से मैं एक स्कूल चला रहा हूं, मैं एक स्कूल रन कर रहा हूं, तो इसमें क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी मेरी? सैलरीज ऑफ टीचर्स, मैंने बिल्डिंग बनवाई होगी, सारी की सारी चीजें ये खर्चे किए होंगे, तो इसका डेप्रिसिएशन जाएगा, दिस इज माई ऑपरेटिंग कॉस्ट, यस नो? सीबीएसई को हर साल कोई फीस देता हूँ एफिलिएशन की, हाँ या ना? बच्चों को ट्रिप्स पे ले जाता हूँ, वो मेरी कॉस्ट होगी। स्टूडेंट्स को स्कूल में मील सर्व होता है, वो मेरी ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, यस नो? स्कूल बनाने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्चा हो गया था, थे नहीं मेरे पास, लोन लेना पड़ गया साल में 10% के ब्याज पे, तो 10 करोड़ × 10%, 1 करोड़ इंटरेस्ट इनकर किया है। ये ध्यान से क्वेश्चन सुनना, फिक्स्ड कॉस्ट है हाँ या ना? हाँ। ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है हाँ या ना? ना। ये क्या है? ये फाइनेंसिंग कॉस्ट है। कोई भी दो स्कूल्स को कंपेयर करूं, कोई भी एनी टू स्कूल्स, लेट्स से कोई बहुत मतलब स्वैंकी अमेरिकन इंटरनेशनल बोर्ड वाले स्कूल्स पकड़ लो, वर्सेस लेट्स से कंसिडर अ केंद्रीय विद्यालय, वो सबकी ऑपरेटिंग कॉस्ट तो मैच हो सकती है, मतलब कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मैच हो सकता है। जो 1,00,000 रुपए कमाता होगा वो 10,000 देता होगा टीचर को, जो 10 लाख कमाता होगा वो 1 लाख दे देता होगा टीचर को, सही कह रहा हूं ना मैं? या फिर दो सिमिलर स्कूल्स की बात कर लेते हैं, मान लो डीपीएस और डीएवी सिमिलर स्कूल्स है, सब दोनों की फीस सेम होती होगी मोटा मोटा, दोनों के खर्चे भी सेम होते होंगे, दोनों के प्रॉफिट्स भी सिमिलर रहेंगे, बट प्रॉफिट कौन से सिमिलर रहेंगे जिसमें अभी इंटरेस्ट ना गिना हो? हो सकता है डीपीएस बहुत प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो
और डीएवी उतनी प्रॉफिटेबल संस्था ना हो, तो उनको लोन लेके अपने बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हो, ठीक है ना? तो अल्टीमेट प्रॉफिट डीएवी का कम होगा, डीपीएस का ज्यादा हो जाएगा। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? जिसने कुछ डाउट पूछे हैं वो आंसर कर दे रहा हूँ। एक कैंडिडेट कह रहे हैं सर, रेंट इज बीइंग चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वी नीड टू कंसिडर इट एज अ वेरिएबल कॉस्ट। यस, बट क्या फिर भी रेंट एक ऑपरेटिंग कॉस्ट रहेगी? यस सर, ऑपरेटिंग कॉस्ट है क्या ये बताओ? हर वो चीज जो ईबीआईटी से ऊपर आ रही है, ईबीआईटी से ऊपर जितनी कॉस्ट आ गई सारी की सारी ऑपरेटिंग कॉस्ट ही है। ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब पर से धंधा चलाने में जो पैसा लगना ही लगना है वो कॉस्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट है। फ्लिपकार्ट के लिए क्या ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी? शिपिंग की कॉस्ट। प्रोडक्ट्स लिस्ट कराते हैं वो लोग, इतने प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं तो उनकी फोटोग्राफ्स खींचते होंगे, पे करते होंगे ना किसी को। आप लोग रैंडमली कुछ भी लिखो, लेट्स से यू वांट टू बाय अ टी शर्ट, ठीक है? या और थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जाम्पल लेता हूँ, लेट्स से यू वॉन्ट टू बाय रेड शूज। आपने कभी नोटिस किया? यू राइट रेड प्यूमा शूज एंड इट विल शो यू रेड प्यूमा शूज इटसेल्फ इन द फर्स्ट सर्च लिस्ट। कैसे आ रहा है वो, कैसे आ रहे हैं? हाँ, वन वे इज एसईओ। यस, वो आपने मतलब द वे द थिंग इज दैट फ्लिपकार्ट हैज कॉन्फिगर्ड दी सॉफ्टवेयर इन सच अ मैनर कि वो बैकएंड से जब वो शू की फोटो डालते हैं तो उसकी कैटेगराइजेशन आती है कि ब्रांड कौन सा है प्यूमा, है ना, और कलर कौन सा है रेड। तो उन्होंने सिस्टम को उतनी केपेबिलिटी दी है कि रेड प्यूमा लिखे तो ये वाला शू दिखाना। करेक्ट। अब ये चीज पीछे से चल रही होगी, पीछे सॉफ्टवेयर शुड बी वर्किंग फॉर दिस। इन्होंने बहुत तगड़ा पीछे से बैंडविड्थ ले रखी होगी, अदरवाइज ये लोग जिस दिन सेल लगाए उस दिन वेबसाइट क्रैश हो जानी चाहिए, ऐप क्रैश हो जाना चाहिए। तो इनके सॉफ्टवेयर के चार्जेस हैं, टेकीज रखते हैं ये लोग अपने पास, खूब हायर करते हैं, उनके चार्जेस हैं, ठीक है ना? तो ये सारे के सारे क्या है? ये ऑपरेटिंग कॉस्ट है। लेकिन मान लो जैसे अभी के लिए बोलूं, बायजूस की क्या कॉस्ट होगी? बायजूस की क्या कॉस्ट होगी? टीचर्स को पे करते हैं, टैब्स देते हैं सबको। आपको बोलेंगे 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट खरीदो, इसमें 70,000 रुपये टैब का, 20,000 रुपये टीचर का, ये 20,000 रुपये पढ़ाई का। आप 1 साल के बाद बोलोगे कोर्स अच्छा नहीं हो, बोलते ठीक है टैब तेरा, 20,000 रुपये वापस, ठीक है? नाउ ऑन अ सीरियस नोट, बायजूस वॉज इन अ बैड शेप, दे सेड ओके लेट अस टेक सम लोन्स। बायजूस ने इंटरेस्ट इंटर किया, बायजूस ने इंटरेस्ट दिया होगा। ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर आ रहा है बायजूस वर्सेस अन अकेडमी वर्सेस अ वॉल स्ट्रीट स्कूल वर्सेस, हाँ बिल्कुल, कोई भी पीडब्ल्यू, कोई भी आप ले लीजिए, इन सब में क्या डिफरेंस होगा? सबकी सेल्स सिमिलर होंगी, वो धंधा चलाने के लिए हो ही रही है, कॉस्ट सिमिलर होंगी, टीचर्स को पे आउट जा रहे हैं, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट है, पोर्टल की कॉस्ट है, आईटी सर्विसेज की कॉस्ट है, एडमिन की कॉस्ट है, सेल्स वाले बच्चों की कॉस्ट है, करेक्ट? उसके बाद बायजूस को लोन लेना पड़ा फॉर एन नंबर ऑफ एक्टिविटीज बिकॉज दे वर नॉट एबल टू रेज इक्विटी, क्योंकि लोन लिया तो इंटरेस्ट दिया होगा। वो इंटरेस्ट धंधे की कॉस्ट नहीं है, धंधा चलाने के पैसे नहीं थे आपके पास, इस वजह से आपको लोन लेना पड़ा, तो वो लोन लेने की कॉस्ट है, वो धंधे की कॉस्ट नहीं है, ठीक है ना? एक सेकेंड रुक जाओ, और एक बार डाउट्स देख ले रहा हूँ। इफ द रेंट इज, एक कैंडिडेट ने पूछा, इफ द रेंट इज बीइंग चार्ज एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स इज इट अ वेरिएबल कॉस्ट? यस सर, कैन रेंट बी बोथ ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग? आई कांट, मतलब इसका अकाउंटिंग आंसर दे सकता हूं मैं, बट आप इसे ऑपरेटिंग मान लीजिए, मैम इसका अकाउंटिंग आंसर दे सकता हूँ। यस, मान लीजिए किंगफिशर एयरलाइंस ने एक विला खरीद लिया कि माल्या साहब जाके जहां पे रेस्ट कर सकते हैं, या किराए पे ले लिया एक विला, जमता भी नहीं ना, माल्या साहब को रेंट पे बोलना ही नहीं अच्छा लग रहा, पर चलो कर दिया उन्होंने ऐसा, तो कह रहे हैं ठीक है जी ये विला किराए पे लिया हुआ है, जब चाहे रेस्ट कर ले। अब वो बोले नॉन ऑपरेटिंग में काउंट कर ले, लेकिन फॉर योर पर्पजेज आप भूल जाइए, ये अकाउंटिंग आंसर से सीएमए में कर सकता था सब कुछ, यहाँ पे द आंसर इज नो, कंसिडर रेंट टू बी एन ऑपरेटिंग कॉस्ट। डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट ऑपरेटिंग कॉस्ट होगी, ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली यस। फॉर मी द डेप्रिसिएशन ऑन दिस पेन इज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, फॉर मी ट्रेवलिंग फ्रॉम माई होम टू हेयर इज एन ऑपरेटिंग कॉस्ट, करेक्ट? फॉर अ बैंक इंटरेस्ट इज द ऑपरेटिंग कॉस्ट, सही कह रहा हूं ना मैं? बैंक का धंधा क्या है? आप सारे के सारे अमीर हो,
ये सारे के सारे बिजनेसमैन है, आप ऑलरेडी अमीर हो या अमीर बनना चाहते हैं, वो क्या बोलेगा, बोलेगा इतना पैसा पड़ा है क्या करोगे, आप बोलोगे हाँ ठीक है तेरे पास रखवा देता हूँ। आपने बैंक, मैं बैंक, आपने बोला हाँ तुम 8% पे मेरे से ले लो लोन, और मैंने इनको दे दिया 15% पे, तो जिन जिसने मेरे पास डिपॉजिट कराया आई पे हिम 8% इंटरेस्ट, और मैंने जिसको लोन दिया ही पेज मी 15% इंटरेस्ट। मान लो मैंने 100 रुपए आपसे लिए, 100 रुपए इनको दिए, तो आई हैव टू पे यू 8 रुपीज पर एनम, आई गेट 15 रुपीज पर एनम। मेरे साल की सेल कितनी दिखेगी, 15 रुपए। मेरे साल की कॉस्ट कितनी दिखेगी, 8 रुपए। ये 8 रुपए क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सर, लेकिन ये तो इंटरेस्ट है। तो क्या हो गया, बैंक के लिए इंटरेस्ट ही ऑपरेटिंग कॉस्ट है, तो वो याद करने वाले मोड से बाहर आना पड़ेगा जो अपन बीकॉम बीबीए में करते हैं। वी हैव टू अप्लाई आवर सेल्स, मतलब टेक थिंग्स ऑन इट्स फेस वैल्यू, एनालाइज इट एंड देन गिव एन आंसर। ठीक है जी, इज माई वॉइस ऑडिबल, जस्ट वन सेकंड, इज माई वॉइस ऑडिबल। तो आईव डिस्कस्ड व्हाट्स ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, व्हाट्स द नॉन ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट। ठीक है, rather let's keep it to this, so that should turn into problem now. ठीक है, ये जो ऊपर पर्पल शेडेड है ये ऑपरेटिंग पोर्शन ऑफ द बिजनेस है, इसके आगे का पोर्शन फाइनेंसिंग पोर्शन है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ टैक्सेस तक बात करता हूँ, उसके नीचे वाला नहीं बोल रहा, सॉरी अभी तक के मैं सिर्फ ईबीटी तक बात कर रहा हूँ, टैक्सेस की बात अभी के लिए नहीं करता मैं। ये जो ग्रीन शेडेड पोर्शन है, अभी के लिए मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ओके, लेट्स मूव अहेड। अगर मैं आपको बोलूं दैट इन दिस बेस केस सिनेरियो, इन दिस बेस केस सिनेरियो, इफ आई डू लेट यू नो दैट अच्छा, इन दिस बेस केस सिनेरियो, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज 15,000 प्लस 2,000, 17,000, करेक्ट, 17,000 रुपए की फिक्स्ड कॉस्ट है ना। मुझे एक बात बताओ, नंबर्स थोड़े से, चलो यही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 17,000 रुपीज की फिक्स्ड कॉस्ट है, मुझे बताओ कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे इन फॉर दिस बिजनेस सेटअप, हाउ मेनी यूनिट्स विल हैव टू सेल टू मेक श्योर दैट कि मेरा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है धंधे में, माई अर्निंग्स बिफोर टैक्स इज जीरो, मतलब मेरे को ब्रेक इवन पे अगर जाना हो तो मुझे टोटल कितने यूनिट्स का सेल करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्लियर है आपको, टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है, 17,000। मैंने आपसे पूछा आप मुझे बताओ नंबर ऑफ यूनिट्स कितने होने चाहिए, 5,000 यूनिट्स पे 3,000 का प्रॉफिट है, 3,000 का ईबीटी है, मुझे नंबर ऑफ यूनिट्स बताओ जिसपे ईबीटी जीरो है, देखना एक बार, आई हैव आस्क्ड यू कि आपको कितने यूनिट्स, हाउ मेनी यूनिट्स विल यू हैव टू सेल इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट योर अर्निंग बिफोर टैक्सेस कम आउट टू बी जीरो, मतलब धंधे में आपको जीरो प्रॉफिट हो, ब्रेक इवन आ रहा है धंधे का, किस पॉइंट पे, वो पॉइंट ढूंढ के दो, कितना आ रहा है आंसर, 4,250। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने बताया, कैसे निकाला, कैसे निकाला आप लोगों ने, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट, कैंडिडेट्स कह रहे हैं फिक्स कॉस्ट देखो कितनी है तुम्हारी, फिक्स कॉस्ट है एक, ये 15,000 रुपए की, दिस 15,000 दिस इज अ फिक्स कॉस्ट, एंड देन दिस 2,000 रुपीज इज अ फिक्स कॉस्ट, सो द टोटल फिक्स कॉस्ट इज 17,000, एंड पर यूनिट आप कितना कंट्रीब्यूट कर रहे थे, 6 रुपीज, और 4 रुपीज सॉरी, है ना, एट टाइम जीरो, जैसे ही आपने धंधा चालू किया आपका 17,000 रुपए तो लग ही चुका था, तो 17,000 के लॉस पे बैठे थे आप, आपने एक यूनिट सेल किया 6 रुपए का लॉस रिकवर हुआ, दो यूनिट सेल की सॉरी एक यूनिट सेल किया 4 रुपए रिकवर हुए, दो यूनिट सेल किए 8 रुपए रिकवर हुए, टोटल कितना रिकवरी करना है, 17,000, तो कितने यूनिट्स पे होगा, 17,000 बाय 4, 17,000 बाय 4, यस नो, आपकी बुक्स में इसे व्हाट डू यू कॉल फॉर्मूला ओरिएंटेशन से लिखा हुआ था,
जस्ट वेट फॉर अ सेक। आपकी बुक्स कहती हैं ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स इज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये श्वेजर लिखता था ऐसे, अभी भी काम आएगा आपको। कुछ पोर्शन में बिजनेस मॉडल नाम का एक चैप्टर है कॉर्पोरेट इशुअर्स में, जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है, तीन चार जगहों पे आता है। दे स्टिल डिस्कस दिस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट आपकी बुक्स में ऐसा फॉर्मूला लिखा होता है कि ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ सेल्स क्या है, एफसी प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये एफसी प्लस इंटरेस्ट टोटल रहेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बेसिस पे रहेगा। जो भी इसको ऐसे याद करता है उसका बेड़ा गर्क होना ही है, क्योंकि तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि क्या याद कर रहा है वो। टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल इंटरेस्ट लो डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, इसका कुछ सेंस ही नहीं बना। मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ी ना बताया था, यू फिगर्ड इट आउट एट योर ओन। व्हाट डिड यू डू, यू एडेड 15 एंड 2 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। इट इज द एग्जैक्टली सेम थिंग एज व्हाट इज द फॉर्मूला रिक्वायरमेंट, करेक्ट। नेक्स्ट सुनना, अगर आप ऑपरेटिंग इनकम जीरो रखना चाहते हो, इफ यू वॉन्ट द ऑपरेटिंग इनकम टू बी जीरो, हाउ मैनी नंबर ऑफ यूनिट्स विल यू हैव टू सेल? 15,000 बाय 4, 15,000 बाय 4 ना। आप क्या करना चाह रहे हो, आप इससे जीरो लाना चाह रहे हो, यू वॉन्ट दिस टू बी जीरो, यू वॉन्ट दिस टू बी जीरो। ये जीरो कब आएगा, जब ये 15,000 हो, लेस 15,000, ये जीरो आ जाएगा। ये 15,000 कब आएगा, ये 15,000 कब आएगा, 4 रुपए पर यूनिट है तो 15,000 कब बैठेगा, 15,000 बाय 4 यूनिट्स पे? यस नो, आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, यहां पे लिख लेते हैं स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर था एज इट इज। दिस इज 10, 6 एंड 4, दिस इज 10, दिस इज 6, दिस इज दिस माइनस दिस 4, ठीक है। आपकी कॉस्ट कितनी थी एक बार वो लिख रहा हूं मैं बस, द नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स तो हमने निकालने। आपकी कॉस्ट यहां पे दी हुई है 30, 15 और 2 ना, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं इज इक्वल टू, दिस इज 6, दिस इज 15,000 एंड दिस, जस्ट वन सेक, फिक्स कॉस्ट कितनी है 15,000, इंटरेस्ट कितना है 2,000, करेक्ट। मैंने आपको बोला आपको ईबीआईटी जीरो चाहिए, ईबीआईटी जीरो के लिए ये कितना होना चाहिए कंट्रीब्यूशन, 15,000। ये 15,000 रुपए होगा तभी तो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी जीरो आ रहा होगा, हाँ या ना? ये 15,000 आने के लिए कितने यूनिट्स बेचे होंगे, 4 पर यूनिट है, 15,000 टोटल है, तो कितने यूनिट्स बेचे होंगे, दिस बाय दिस 3750, यस नो? आर यू विथ मी सो फार? पिछले मामले में इंटरेस्ट क्यों आपको फॉर्मूला सोचना ही नहीं, आप उसको छोड़ो, उनका दिमाग खराब है। आप वैसे चलोगे तो योर कॉन्सेप्ट्स विल बी एब्सोल्यूटली गॉन। आपको दो क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं, मैंने आपको बोला एक काम करते हैं, मुझे केस वन में ये बताओ कि मुझे अगर ईबीटी जीरो चाहिए, इफ आई वॉन्ट ईबीटी टू बी जीरो, इफ आई वॉन्ट ईबीटी टू बी जीरो, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट तो 2,000 था, तो ये कितना आया होगा, ये 2,000 हुआ होगा, यस नो? और फिक्स कॉस्ट कितना था, 15,000। अब ये फिक्स कॉस्ट गिवन है, ये 2,000 रुपए गिवन है ना, इसे जीरो लाने के लिए इसे 2,000 होना चाहिए, इसे 2,000 होने के लिए इसे 17,000 होना चाहिए, हाँ या ना? यस नो? सही कह रहा हूं ना मैं? ये 17,000 कब होगा, वेन विल दिस बी 17,000? बहुत जब 4,250 यूनिट सेल हो रहे हो, लेस फिक्स कॉस्ट था रेंट वाला ना, दिस इज ईबिट लेस इंटरेस्ट इज ई बी टी। इंटरेस्ट है मेरा 2,000, रेंट है मेरा 15,000 रुपये। केस वन, मुझे बोला जा रहा है ईबीटी को जीरो रखो, ईबीटी जीरो कब होगा, जब ईबीआईटी 2,000 हो, ईबीआईटी 2,000 कब होगा, जब कंट्रीब्यूशन 17,000 रुपये हो। मुझे पर यूनिट बेसिस पे पता है,
नंबर्स आर दिस, ये 10 रुपीज है सेल्स पर यूनिट, ये 6 रुपीज है, ये 4 रुपीज है, तो ये कितने यूनिट्स हुए होंगे? 4 into how many units दिस वुड हैव बीन, दिस वुड हैव बीन 4 into -4250, 17,000 by 4, यस नो? और 4250 units के पीछे कितने की सेल हुई होगी? 42,500. 4250 के पीछे कितना वेरिएबल कॉस्ट हुआ होगा? 4250 into 6 बताना कितना आ रहा है? 27, अच्छा कितना? 25,500 है ना? ये केस वन है. यहां पे क्या निकालने बोल रहे हैं? ब्रेक इवन पॉइंट. केस टू बोल रहा है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालो. ऑपरेटिंग क्या होता है? ऑपरेटिंग इनमें से क्या है? ईबीआईटी या ईबीटी? ईबीआईटी बोल रहा है इसको, ये ब्रेक इवन पे होना चाहिए. ब्रेक इवन मतलब ये जीरो होना चाहिए. ये तो 15,000 है ही, तो ये कितना चाहिए? 15,000. तभी तो ये 15 less 15 जीरो हो जाएगा, हाँ या ना? ये 15 कब आएगा? जब 4 into -3750 यूनिट्स. तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बना? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. और इसका फॉर्मूला क्या बना? फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग प्लस फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. यहां पे क्या था? फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग था ये. दिस वॉज फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग. ओवर हियर इट इज फिक्स कॉस्ट ऑपरेटिंग प्लस फिक्स कॉस्ट फाइनेंसिंग होल डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. आर यू विथ मी सो फार? आप बताओ ना. ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आपको जीरो चाहिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको जीरो चाहिए. ये कब होगा? 15,000 की कॉस्ट तो इनकर हो ही रही है, तो ये जीरो कब आएगा? ये जीरो तब आएगा जब कंट्रीब्यूशन 15,000 का आ जाए. 15,000 का कंट्रीब्यूशन कब आएगा? 4 रुपीज पर यूनिट इज द कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. सो फॉर हाउ मेनी यूनिट्स वुड द कंट्रीब्यूशन बी? 15,000. 15,000 by 4, ये कैसे है? 15K by 4. 2 मिनट की एक्सरसाइज है, 1 घंटे की कहानी नहीं करनी पड़ती. मैं कहता सी बाय मतलब फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय दिस, यहां पे बोलता फिक्स कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. बट मतलब यू कांट इमेजिन द पेन यू वुड सफर वंस यू रीच योर कॉर्पोरेट्स, वंस यू आर गिवन अ बैलेंस शीट, वंस यू आर गिवन टू एनालाइज एन इंडस्ट्री. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जब जाना है ना, तो वो 80 घंटे 100 घंटे काम टेनेसिटी से करके, यू यू शुड हैव दैट आई दैट यू ऑन योर मतलब ऑन योर टेबल, यू आर बेटर देन दी फोक्स फ्रॉम IIMs, देन दी फोक्स फ्रॉम द बेस्ट कॉलेजेस. अदरवाइज कोई नहीं हायर कर रहा. इट्स अ ब्रूटल इंडस्ट्री. बोलने में नहीं अच्छा लगता, बट टिल द टाइम आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर ऑल दीज एग्जाम्स एंड थिंकिंग कि लॉन्ग टर्म में कभी MBA करेंगे, वहां जाके प्रोफाइल बनेगी, बनती भी, कोई डाउट नहीं है. आई वुड हैव गेन्ड इमेंसली, स्पेशली इफ आई वुड हैव नॉट टारगेटेड इंडियन बी स्कूल्स, हैड आई गॉन टू US फोकस बी स्कूल्स, आई थिंक इट वुड हैव बीन ब्रिलियंट फॉर माई करियर. बट आई एम टेलिंग यू, व्हेन इट केम टू टेक्निकल कैपेबिलिटीज, तो तल के खा जाते थे हम अच्छे वाले MBA में. मतलब खड़े नहीं होने देंगे उसको अपने सामने. तो ही और शी वुड सफर द पेन ऑफ हिज लाइफ टाइम इन फ्रंट ऑफ अस इफ ही इज अगेंस्ट अस. वो एक पार्टी वो है, दूसरी पार्टी हम है. मतलब अब उसे पता नहीं है उसके साथ क्या होने वाला है, उल्टा लटका देंगे यहीं पर ही. बिकॉज हाथ गंदे किए हैं, इतना घुस के काम करने आता है, और ये प्रोफिशिएंसी नहीं आई, तो मैं बता रहा हूं तुम दूसरे साइड पर खड़े हो. क्योंकि द पर्सन अगेंस्ट यू इज अ डैम स्मार्ट फेलो. योर ओनली चांस इज टू बीट हिम हैंड्स डाउन इन टेक्निकल कैपेबिलिटी. सिंपल है बात. ये सिखाया मुझे CA ने, ये सिखाया मुझे CFA ने, क्योंकि कोर में घुस के पढ़ाइयां होती हैं. यहाँ पे मैं MBA करने जाता तो मुझे नेटवर्किंग के फायदे मिलते. हाँ ठीक है, बोलता ठीक है, कनेक्ट्स बन गए, ये हो गया, वो हो गया, चार चीजें. यस, दैट इज समथिंग जो मिस आउट हो सकता है आज मेरी लाइफ में. बट जो चीज कहीं से भी क्वेश्चनेबल है ही नहीं, वो टेक्निकल कैपेबिलिटीज की. क्या कोई चीज को पकड़ के उतना घुस के काम किया जा सकता है क्या? दैट वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग बाय जस्ट रीडिंग दीज एनुअल रिपोर्ट्स. कैन वी मेक क्वेश्चन आर आउट ऑफ दिस सच दैट द अदर पार्टी विल हैव टू सफर इन इनसाइड द कोर्ट रूम? द आंसर इज येस. फॉर्मूला वॉर्मूला जब तक है ना जीवन में, यू आर नॉट इन द गेम ऑफ बींग एन एनालिस्ट टिल द टाइम यू आर स्टक विद फॉर्मूला. मुझे टिल डेट ये ऐसे फॉर्मूला नहीं पता होते. अगर आप मुझसे
मैं क्लास में एंटर कर रहा हूँ, आप बोलते हैं सर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला बता दो, आई कांट डू इट। आप मुझे डेटा दे दीजिए, सब कुछ बता दूंगा मैं, वो चीज जो आप नहीं पूछ रहे हैं वो भी बता देंगे। पढ़ाने ये पूरा बनाने के बाद एनालाइज करूंगा तो बना दूंगा, बोलूंगा हाँ नीचे लिखा फॉर्मूला देख ले सेम ही होता है, बट फॉर्मूला से आंसर नहीं निकाल रहा हूँ, आंसर निकाल रहा हूँ कि हाँ देखे तो लॉजिकल ही बन रहा है, फॉर्मूला भी यही कहता है, फॉर्मूला ही पढ़ना है तो लिखना ही जरूर नहीं, सारी दुनिया जा रही है वही पढ़ के, यहाँ 6 घंटे में कर लेते हैं, 6 घंटे में वो होगा तो दिमाग नहीं बढ़ेगा, एक कॉन्सेप्ट करने में निकल गया 2.5 घंटे। बट इफ यू रिवाइज दिस इन अ प्रोफेशनल मैनर, तो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे बीकॉम या बीबीए से निकलने के बाद कोई सवाल पूछा जाए तो हमें लगता है ना कि हाँ कभी सुना तो है लेकिन कहा कुछ नहीं पता इसके बारे में, ये फैक्टर खत्म हो जाएगा आपकी लाइफ से, आपको क्वेश्चन सुन के ये नहीं लगेगा कि मतलब कोई स्टेटमेंट सुन के ये नहीं लगेगा पता तो कुछ नहीं है, किताब ही तो रट के जाते हैं हम एग्जाम से एक दिन पहले, वो चेंज करा दूंगा मैं आपकी लाइफ में, ये पक्का प्रॉमिस है मेरा, आई विल मेक यू सुपर प्रोफेशनल, कैन नॉट प्रॉमिस एन ईजी जर्नी बट आई कैन 101% प्रॉमिस अ फ्रूटफुल जर्नी, देखना एक बार, इट्स गोइंग टू फास्ट, मुझे लग रहा था इट्स गोइंग टू स्लो, मेरा समझ मिल से सर बहुत स्लो है जल्दी करो, नहीं हाँ देखना आगे चल रहा हूं, वी हैव डन ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, वी हैव डन ब्रेक इवन पॉइंट, देखना जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा था दी अंडरलाइन थीम, आपको अभी तक की जो चीजें आ गई हैं, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज सेल्स कॉस्ट, सॉरी व्हाट इज फिक्स कॉस्ट, व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट वर्सेज नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, यू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, यू अंडरस्टैंड नॉन ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट, यू अंडरस्टैंड ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, इतना आपको अच्छे से आता है, बुक्स में ये सारा का सारा बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस किया जाता है कि आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा सके लेवरेज का, सुनना व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड लेवरेज, लीवर, लीवर कहाँ सुना है, फिजिक्स क्लास 9th 10th सुना हुआ वर्ड लीवर, हाँ फायदा क्या मीनिंग है इसका, सॉरी फायदा, फायदा ओके करेक्ट, सही आंसर सही भी दिया आपने, एक कैंडिडेट क्या है इसका मीनिंग होता है फायदा उठाना, ये आपने तो सूट्स वाला आंसर दे दिया, सूट देखते हो क्या बहुत, ये देखा हुआ है पहले, हाँ वहां पे वो माइक रॉस और क्या नाम था दूसरे का, हार्वी, हाँ स्पेक्टर, हाँ वो यू हैव लिवरेज अगेंस्ट हिम, ये वो ज्यादा पैसे फैंसी दिखाते थे ना, ऐसी नहीं होती है लॉ फॉर्म, बिकॉज लॉ फॉर्म्स एंड सीए फॉर्म्स आर वेरी सिमिलर, ये तो दिखाते थे पता नहीं कुछ का कुछ ही कर देते थे मुंह काला, वैसी नहीं होती है लॉ फॉर्म्स, लॉ फॉर्म्स आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट, वहां बैठ के सर रगड़ के काम करना है इज द गेम, पर ठीक है नो वरीज, सुनना आपने शायद वर्ड लिवरेज पहली बार सुना हो फिजिक्स में, वो वर्ड का जो लिटरल मीनिंग आता था वो था मैग्नीफाइंग इफेक्ट, जैसे आपके कार पे जैक रहता है, नाउ यू कैन नॉट लिफ्ट योर कार अंटिल एंड अनलेस इट्स अ मूवी सीन एंड यू आर सनी देओल राइट, अदर सुनील शेट्टी वो कर सकते हैं, सिंघम वो कर सकता है, अदरवाइज कार उठाना इज नॉट प्रोबेबली ठीक है ना, द गेम ऑफ द मॉर्टल्स हमारे बस का तो नहीं है, बट अगर आप जैक लगाओ तो उसमें क्या हो रहा है, यू जस्ट हैव टू अप्लाई लिटिल पावर, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत ह्यूज है, तो आप लिटिल पावर दे रहे हो इम्पैक्ट ह्यूज आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, ये जो मैग्नीफाइंग इफेक्ट है इसको लिवरेज बोलते हैं, पर वो सब ठीक है, अभी फाइनेंस में क्या खाक कहाँ है इसका ये ज्ञानवादी मत करो बैठ के बोले ये लिवरेज वो लिवरेज सिंगम विंगम क्या क्या बोलता है ये आदमी, देखना एक बार आपके साथ ओरिजिनल वाला जो केस डिस्कस किया था ये उसकी बात करते हैं, देखना ये फिक्स्ड कॉस्ट, ये फिक्स्ड कॉस्ट है आपका, व्हाट डू यू कॉल इन दिस केस इन द स्ट्रक्चर वन यू हैव अ फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ 1.5 लाख, यस नो, एक काम करो छोटा सा मुझे ना प्रॉफिट का परसेंटेज बताओ, यहाँ पे प्रॉफिट का कितना परसेंटेज है, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 50,000, द प्रॉफिट परसेंटेज इज दिस, आपका प्रॉफिट परसेंटेज -240 पे था, ये माइनस वालों का तो कोई मीनिंग ही नहीं होता ठीक है ना, जहां माइनस लिखा है इसको नॉन मीनिंगफुल मान लीजिए, बट देखना आपके यूनिट्स कितने इंक्रीज हुए, 1,000 यूनिट से 10,000 यूनिट पहुंचे, 1,000 यूनिट से 10,000 यूनिट पहुंचे, या फिर इवन बेटर यहाँ पे जो केसेस लिखे हुए हैं उसको देखते हैं एक बार, रुकिए
यहां पे देखो एक बार, ये 5,000 से 5,500 यूनिट्स, 10% की सेल्स का चेंज हुआ है ना, 10% हुआ है सेल्स में चेंज, ठीक है। इसका इम्पैक्ट नेट इनकम पे कितना आया है? 66.67। यस नो? ये क्यों आया है? लिवरेज की वजह से। लिवरेज मतलब क्या? फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कॉस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो जाती है अगर आपके धंधे की वॉल्यूम बढ़ जाए। मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूंगा, आपको शायद समझ आएगा, सुनना। बुक माई शो ने बोला कि ये 1,00,000 रुपए का रेंट दूंगा मैं इस जगह का, और यहां पे अपनी मूवीज रन कर लेता हूं, ठीक है। अभी यहां पे लेट्स से एक स्टूडेंट बैठा है, मतलब एक एक व्यूअर बैठा है, ऑडियंस इज जस्ट वन। यहाँ पे उन्होंने इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच डिस्प्ले किया, उन्होंने उनको 1,00,000 रुपए का खर्चा आया ये सेटअप करने का, एक दिन का उनका खर्चा आया 1,00,000 रुपए का। एक स्टूडेंट था, उनको क्या खर्चा पड़ गया बुक माई शो वालों को? सिर्फ एक सीट बिकी, 1 लाख पर यूनिट का खर्चा हुआ। यस नो? मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इस रूम में 1,000 लोग बैठ गए, तो वो खर्चा ड्रॉप डाउन करके सिर्फ 100 पर यूनिट रह जा रहा है ना, बिकॉज फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गोज डाउन ड्रामेटिकली व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेस। दैट्स व्हाई दी परसेंटेज प्रॉफिट्स बैलून अप, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। हाँ या ना? आप देखो ना, 10% की सेल्स इंक्रीज की है, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है? 10%। कंट्रीब्यूशन कितना इंक्रीज हुआ है? 10%। फिक्स कॉस्ट कितनी इंक्रीज हुई है? नथिंग। इंटरेस्ट कितना इंक्रीज हुआ है? नथिंग। इसकी वजह से इंपैक्ट क्या आया? 3,000 का प्रॉफिट 5,000 हो गया। ये 3,000 का प्रॉफिट 5,000 कैसे हुआ था? बिकॉज प्रैक्टिकली स्पीकिंग 20,000 का कंट्रीब्यूशन 22 हो गया था, मेन खर्चे तो सेम ही थे। यस नो? तो कंट्रीब्यूशन इंक्रीज बाय 2,000 विच वॉज 10%, बट अल्टीमेटली ईबीटी इंक्रीज बाय 2,000 ऑन अ बेस ऑफ 3,000, तो 2/3 इज 67%। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग क्या हुआ है? 10% सेल्स इंक्रीज होने की वजह से इंपैक्ट ऑन प्रॉफिट कितना है? 67%। यस नो? मैग्निफाइंग इंपैक्ट है या नहीं है? है। मैग्निफाइंग इंपैक्ट किसकी वजह से? अच्छा एक सेकेंड, ये तो प्लस साइड पे था, ये तो प्लस साइड पे था। 10% से सेल्स कम कर, 20% से सेल्स कम कर दो, 5,000 से सेल्स कर दो 4,000 पे, तो सेल्स कितनी ड्रॉप हुई है? 20%। लेकिन प्रॉफिट लॉस पे क्या इंपैक्ट आया? 133%। सर ये आपने रैंडमली फिगर्स फिट करके दिए हैं, आप कोई भी फिगर्स खुद से ले लो ना, प्रैक्टिकली देखो क्या हुआ है। 20% कम हुआ तो 50,000 से 40,000 हो गई सेल्स, ये भी 20% कम हुआ, ये 20% से 4,000 कम हो गई, 16,000 हो गया। यहां तक के सिर्फ 20% है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज देयर इज नो मैग्निफाइंग इंपैक्ट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट, वो तो सेम ही रह रहा है। मैं 1 यूनिट बेचूं चाहे 1,00,000 यूनिट बेचूं बर्गर के, मैं 10 रुपए का खरीदता रहूंगा, 30 रुपए का बेचता रहूंगा, यही 20 रुपए बचता रहेगा। लेकिन अगर मैं 1 यूनिट बेच रहा हूं तो 1,00,000 रुपए का रेंट मेरे को खा जाएगा, लेकिन अगर मैं महीने में 1,00,000 बर्गर बेच दूं तो एक बर्गर पे रेंट कितना पड़ रहा है? 1 रुपीज पर यूनिट। यही तो जोमेटो खेल गया। जोमेटो स्विगी ये सब क्या करते हैं आपके साथ? ये लोग दबा के ऐड चलाते हैं आईपीएल के टाइम पे। शुरू में कैश बर्न कैसे करते हैं? टुडे लेट्स से वी आर स्टैंडिंग इन 2014-15, फूड ऑर्डरिंग एट होम इज नॉट अ वेरी बिग थिंग इन 2014-15, करेक्ट? ये लोग क्या करेंगे? ये अवेयरनेस डेवलप करेंगे। हर मैच की एड के बाद आएगा कि तू ऑर्डर कर, तेरे को फ्री का खाना खिलाएंगे, दाल मखनी वेटिंग फॉर यू, बटर चिकन वेटिंग फॉर यू, ये वो ऐसा वैसा ललचा ललचा के मार डालेंगे सारे। उसके बाद बोलेंगे आ पहला मील भी हमारे ऊपर है, जैसे फर्स्ट मील इज फ्री, तू आ ऑर्डर कर बस। क्यों फ्री की दाल मखनी और चिकन नहीं खा रहे? भेज रहे हैं, लिखा। दे आर बर्निंग कैश। उन्होंने साल का लेट से 70 करोड़ रुपए लगा दिया, 100 करोड़ रुपए लगा दिया एक्सपेंस मार्केटिंग का, पहले साल में सेल नहीं हुई, दैट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन बहुत कम हुआ होगा, ओवरऑल प्रॉफिट जीरो होगा। बट अल्टीमेटली कम टू 2024, उनकी जो मार्केटिंग कॉस्ट है वो आज भी 100 करोड़ है या 10 करोड़ है, जो भी नंबर है, लेकिन उनकी सेल्स बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट कुछ रह ही नहीं गया। अगर आप में से कुछ लोग वो शार्क टैंक देखते हैं तो वो हर बंदे से आके वो पूछते हैं, बताओ तुम्हारा कैक क्या है, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट सीएसी कैक क्या है, वो यही तो है।
कि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितना इनकर कर रहे हो। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हो जाए फॉर अन अकेडमी फॉर वॉल स्ट्रीट तो हमारा कैक गिर रहा है, यस नो? अगर मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट गिर जाए जोमेटो के लिए तो उनका कैक गिर रहा है, विच इज अ गुड थिंग, यस नो? पक्का। तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट मतलब फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से लिवरेज का इंपैक्ट आता है, वेरिएबल कॉस्ट की वजह से कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला। आर यू विथ मी? श्योर? देखना आप क्या हो रहा है। 20% की सेल्स गिर रही है, प्रॉफिट गिर जा रहा है 133% से। क्यों? बिकॉज 20,000 से 16,000 हुआ कंट्रीब्यूशन, दैट इज फाइन, 20% का ड्रॉप है, लेकिन ये 15,000 तो देना ही है, ये 2,000 तो देना ही है, तो अल्टीमेटली जो 3,000 रुपये बच रहा था वो -1,000 पहुंच गया, यस नो? मुझे बताना। द इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, पक्का? द इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज इज बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट या फिक्स्ड फाइनेंसिंग कॉस्ट या बोथ? बोथ, ये तो दोनों ही देने पड़ रहे हैं। इसी वजह से दो टाइप के लिवरेज पढ़ने में आते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज। ठीक है, मैं इसके अंदर जाके आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला प्रूव कर सकता हूँ, अभी नहीं करूंगा। आई पॉइंट यू टूवर्ड्स अ वीडियो जहां से आप जाके ये एनालाइज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कैसे बना आपको पता चल जाएगा, मैं जो मीनिंग बोलूंगा आपको वो समझ आ जाएगा। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, ऑपरेटिंग लिवरेज ये क्या बोल रहा है, ये वाले पार्ट, सॉरी, फिक्स कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग नेचर की बात कर रहा है। ऑपरेटिंग मुझे बताओ लिवरेज किसकी वजह से आता है, फिक्स या ऑपरेटिंग, सॉरी फिक्स या वेरिएबल? फिक्स की वजह से। ऑपरेटिंग लिवरेज किसकी वजह से आएगा? दोबारा, लिवरेज किसकी वजह से आता है, फिक्स कॉस्ट की वजह से, यस नो? इसकी वजह से तो लिवरेज आ ही नहीं सकता है, मटेरियल कॉस्ट की वजह से लिवरेज आ ही नहीं सकता है। लिवरेज किसकी वजह से आएगा, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड फिक्स्ड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, करेक्ट? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज आता है उसको कहते हैं ऑपरेटिंग लिवरेज, और फिक्स्ड नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट की वजह से जो लिवरेज आता है उसे कहते हैं फाइनेंशियल लिवरेज, और ये दोनों का जो कंबाइंड लिवरेज है उसको कहते हैं टोटल लिवरेज। विथ मी सो फार? ये पता होना चाहिए कि लिवरेज आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, लिवरेज ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से नहीं आ रहा है, लिवरेज आ रहा है फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से। फिक्स्ड कौन से नेचर की हो सकती है, या तो ऑपरेटिंग या तो फाइनेंसिंग। फिक्स्ड ऑपरेटिंग की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज आएगा, फिक्स्ड फाइनेंसिंग की वजह से फाइनेंसिंग लिवरेज आएगा। विथ मी सो फार? श्योर? नो फ्रिक्शन टिल दिस पीस, करेक्ट? जस्ट गिव मी अ सेक। फिक्स्ड ऑपरेटिंग की वजह से आएगा ऑपरेटिंग लिवरेज, फिक्स्ड फाइनेंसिंग की वजह से आएगा फाइनेंसिंग लिवरेज, ये दोनों को कंबाइन करेंगे बोलेंगे कंबाइंड लिवरेज या टोटल लिवरेज। ठीक है जी, बता दे रहा हूँ, ये टाइप ऑफ लिवरेज हो गई, ये कितनी है ये मेजर करेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंसिंग लिवरेज एंड डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज। देखो पहले से ही पता है, सब इंटेलिजेंट। मैंने कहा था 2 मुझे 45 मिनट, तुमने 2 घंटे दिए, 3 घंटे। हाँ ठीक है, ठीक है जी। ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, मेजर क्या कर रहा है, कितना मैग्नीफाइंग इंपैक्ट आएगा ये मेजर कर रहा है, कितना मैग्नीफाइंग इंपैक्ट आएगा ये मेजर कर रहा है। फॉर्मूला देखना एक बार क्या बोल रहा है। ऑपरेटिंग लिवरेज का मतलब क्या था, ऑपरेटिंग इनकम ऑफ द ऑपरेटिंग पार्ट ऑफ द इनकम स्टेटमेंट क्या है, ये ऑपरेटिंग इनकम तक है, यस नो? सेल्स, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट ईबीआईटी लेस इंटरेस्ट इज ईबीटी, ये है ऑपरेटिंग इनकम, यस नो? ऑपरेटिंग लेवरेज क्या बोलता है, इसमें कितना चेंज आ रहा है विथ रिस्पेक्ट टू 1% चेंज इन सेल्स। अगर सेल्स 10% बढ़े
और ईबीआईटी 50% बढ़ जाए तो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा 50% बाय 10%, तो चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू 1% चेंज इन सेल्स, दिस इज ऑपरेटिंग लेवरेज, दिस इज डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। आर यू विथ मी टिल दिस पॉइंट? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ओवर 1% चेंज इन सेल्स, अगेन बहुत बड़ी प्रॉब्लम की बात होगी अगर आप इसको याद कर रहे हो। क्यों? बिकॉज आप किसी पॉइंट पे ये भूल जाओगे कि ईबीआईटी न्यूमरेटर है या सेल्स न्यूमरेटर है, ये भूल जाएंगे आप। आपको हमेशा कॉन्सेप्चुअली ये पढ़ना है कि बॉस लेवरेज का क्या मतलब है, मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट। मैंने आपको ये समझाया कैसे था, मैंने ऐसे समझाया कि देखो 10% सेल्स में चेंज हो रहा है तो प्रॉफिट में चेंज हो रहा है 67% और ईबीआईटी में चेंज हो रहा है 40%, हाँ या ना? ईबीआईटी में चेंज हुआ 40% जबकि सेल्स में चेंज था सिर्फ 10%। याद करना अपना 11th क्लास का या 9th क्लास का फिजिक्स, आप थोड़ा सा पावर मारते हो पूरी की पूरी कार में ज्यादा पावर अप्लाई हो जाता है, आप 10% सेल्स बढ़ाते हो प्रॉफिट 40% बढ़ जाता है, ये क्या है लेवरेज? 10% का इम्पैक्ट डाल रहा हूँ, 40% का चेंज आ रहा है, तो मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट कितना है? 40/10 आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, ये है फॉर्मूला। इतना याद रखना है आपको कि मैं इनपुट देता हूं 1 यूनिट का, आउटपुट आता है 4 यूनिट का, तो लेवरेज मैग्नीफाइंग इम्पैक्ट क्या है? आउटपुट बाय इनपुट, ये हो रहा है यहाँ पे। बहुत प्रॉब्लम है अगर ये सोचो कि सेल्स मतलब परसेंटेज ईबीआईटी ओवर परसेंटेज सेल्स था या परसेंटेज सेल्स ओवर परसेंटेज ईबीआईटी था, फिर तो पढ़ने का ही फायदा नहीं है। आउटपुट ओवर इनपुट, आउटपुट क्या होगा ईबीआईटी, इनपुट क्या होगा सेल्स, सेल्स इंक्रीज होने से ही सब कुछ नीचे चेंज हो रहा है ना, तो वो आउटपुट है। विथ मी सो फार? श्योर। अच्छा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज क्या होगा? वो बोल रहा है कितना चेंज आएगा नेट इनकम पे, कितना चेंज आएगा नेट इनकम पे अगर ईबीआईटी चेंज हो बाय 1%। सर ये नहीं समझ आया हमें, सुनना व्हाट विल बी द चेंज इन ईबीआईटी इफ सेल्स चेंजेस बाय 1%, ये क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, करेक्ट? अब बोल रहे हैं व्हाट विल बी द चेंज इन अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1%। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन था इसका इम्पैक्ट कहां देख लिया आपने, डीओएल में, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसका इम्पैक्ट कहां देखा आपने, डीएफएल में। इसका इंपैक्ट देख लिया डीएफएल में, और ये दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट कहां देखोगे, डीटीएल में। तो डीटीएल क्या बोलेगा, परसेंटेज चेंज इन ईएटी बिकॉज ऑफ 1% चेंज इन सेल्स। आर वी क्लियर? डीओएल विल बी परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी ओवर परसेंटेज चेंज इन डीएफएल विल बी, डीएफएल क्या होगा बता भाई, परसेंटेज चेंज इन ईएटी ड्यू टू 1% चेंज इन ईबीआईटी, और डीटीएल क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईएटी ओवर परसेंटेज चेंज इन सेल्स। आर वी गुड? श्योर? कोई फ्रिक्शन नहीं है इसमें, पक्का? डीएफएल डीएफएल देखना क्या बोल रहा हूं मैं, इफ ईबीआईटी चेंजेस बाय 1% तो ईएटी पे क्या इंपैक्ट आएगा, दैट्स द क्वेश्चन। तो इफ दिस इज 1% तो व्हाट विल द चेंज इन ईएटी विल बी, अपने वाले एग्जाम्पल में करता हूं देखना यहां क्या होगा, चेंज इन ऑपरेटिंग इनकम कितना है 40%, इसका इम्पैक्ट कितना है 66.7%, तो 66.67 डिवाइडेड बाय 40% ये होगा डीएफएल, हाँ या ना? ये कितना आएगा, दिस विल बी 1.67, ठीक है जी। आर वी क्लियर? यस नो? डीओएल क्या था एक बार देखना, व्हाट विल बी डीओएल अगर सेल्स में 1% का चेंज आए
तो ईबिट में कितना चेंज आएगा देखते हैं ना, सेल्स में कितना चेंज आया, सेल्स में चेंज आया 10% का और ईबिट में चेंज आया 40% का। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर सेल्स 10% चेंज होता है तो ईबिट कितना चेंज होता है, 40%। तो जब ये 1% चेंज होगा तो ये कितना चेंज होगा, 4%। तो लेवरेज का क्या इंपैक्ट है, 4x, 4/1। सिमिलरली अगर ईबीआईटी चेंज हो रहा है 40%, तो ईएटी कितना चेंज हुआ है, 66.67%। तो अगर ये 1% चेंज होगा तो ये कितना होगा, 66.67/40, दैट इज 1.67। हाँ या ना? और टोटल लेवरेज क्या होगा, व्हाट विल बी द टोटल लेवरेज, सेल्स का चेंज से ईएटी का चेंज देखना है, करेक्ट। अगर सेल्स में चेंज है 10% तो ईएटी कितना चेंज हो रहा है, 66.67%। तो अगर इसमें 1% का चेंज है तो ये क्या होगा, 66.67/10, दैट इज 6.67x। हाँ या ना? ये है टोटल लेवरेज, ये है फाइनेंशियल लेवरेज, ये है ऑपरेटिंग लेवरेज। आपकी बुक्स रटवाने के लिए कहती हैं DTL इज इक्वल टू DOL इंटू DFL, 1.4 × 1.67 इज इक्वल टू 6.67। वो तो होगा भी ना, ये दोनों फॉर्मूला तो देखो एक बार, DOL इंटू DFL, ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, EAT ओवर सेल्स, तो वो तो होगा ही। Proceeding ahead with my discussion on leverage then. In the last video we had done DOL is the percentage change in EBIT or the operating income due to percentage change in sales. ठीक है ना? And DFL was percentage change in PAT due to percentage change in sales. EBIT. Correct. Okay. And DTL was, this is 1, this is 2. DTL was 1 into 2. या फिर अगर मैं बोलूं तो चेंज इन पैट ड्यू टू चेंज इन सेल्स, दिस वर्क्स। ठीक है ना? इसका एक अगला पीस कर रहा हूं, देखिएगा, इट्स लाइक दिस। व्हाट योर नोट्स विल टेल यू इज समथिंग ऑन दीज लाइंस, इट विल से चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स। ये तो आपने भी कर लिया था, चेंज इन ईबिट ओवर चेंज इन सेल्स। नाउ व्हाट दे आई मीन दे गो टू अनदर एक्सटेंट, दे से दैट जस्ट डू कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी एंड यू विल गेट योर डीओएल। एक बार यहां पे चेक करते हैं जो नंबर हम देख रहे थे, चेंज इन ईबीआईटी ओवर चेंज इन सेल्स कितना आया था, द चेंज इन ईबीआईटी ड्यू टू 10% इंक्रीज इन क्वांटिटी वॉज 40%। तो चेंज इन ईबीआईटी वॉज 40%, दिस वॉज द न्यूमरेटर, एंड चेंज इन सेल्स वॉज 10%, दिस वॉज द डिनोमिनेटर। 40% बाय 10%, 40% बाय 10%, 4x लेवरेज, सॉरी 4x DOL था ना अपना। ये क्या बोल रहे हैं, ओवर हियर दे से दैट जस्ट डू कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी, जस्ट डू कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी, 20,000 ओवर 5,000, फोर वर्क्स। एग्जैक्ट सेम आंसर ही आ रहा है। इनफैक्ट अगर आप अपनी बुक्स देखोगे ना तो वहां पे बहुत ही सिंपल सिस्टम रहता है, या कोई बीकॉम के नोट्स पढ़ोगे तो कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी इज डीओएल, ईबीआईटी ओवर ईबीटी इज डीएफएल, एंड कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीटी इज डीटीएल। ये बहुत फॉर्मूला ओरिएंटेड बोल दिया मैंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्मूला ओरिएंटेड रहने में, अपने को पता रहना चाहिए फॉर्मूला आ कहां से रहा है। अच्छा रट के फॉर्मूला बोला तो दिक्कत, ठीक है ना? द प्रॉब्लम इज नॉट इन बीइंग ऑन टॉप ऑफ द फॉर्मूला, द प्रॉब्लम इज इफ वी ओनली नो द फॉर्मूला बट वी हैव नो क्लू कि आया कहां से। कॉन्सेप्चुअली तो जो हमने किया वो करेक्ट है, चेंज इन ईबीआईटी और चेंज इन सेल्स। मुझे बस एक छोटी सी चीज बताना, परसेंटेज रादर आई शुड हैव रिटन परसेंटेज चेंज, हाँ ठीक है परसेंटेज ही लिखा है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, यस नो। मुझे एक बात बताओ, जितना परसेंटेज चेंज इन सेल्स है क्या उतना ही परसेंटेज चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट है, और क्या उतना ही परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन है, यस नो। द परसेंटेज चेंज इन ऑल दीज थ्री फैक्टर्स इज सेम, यस नो। अच्छा इट इज सेम इन दिस क्वेश्चन या इट विल ऑलवेज बी सेम, इट विल ऑलवेज बी सेम, क्यों, व्हाई विल इट ऑलवेज बी सेम, बिकॉज इट इज एवरी
मीनिंग वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन बोथ आर अ फंक्शन ऑफ सेल्स, है ना। ये सेल्स कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट से ड्राइव हो रहा है। वेरिएबल कॉस्ट कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट से ड्राइव हो रहा है। कंट्रीब्यूशन कहां से आ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट से ड्राइव हो रहा है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, यस्टरडे द क्वेश्चन दैट वी डिड, इट सेड 10 रुपीज पर यूनिट सेल्स, 6 रुपीज पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट एंड 4 रुपीज पर यूनिट वॉज द कंट्रीब्यूशन। विथ मी ऑन दिस और नॉट? विथ मी ऑन दिस और नॉट? है ना। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितने यूनिट्स बढ़ेंगे उसका 10 टाइम सेल होता जाएगा, उसका 6 टाइम कंट्रीब्यूशन होता जाएगा, सॉरी उसका 6 टाइम वेरिएबल कॉस्ट होता जाएगा, उसका 4 टाइम्स कंट्रीब्यूशन होता जाएगा। यू एग्री टू दिस व्हाट आई एम सेइंग, करेक्ट? तो ये तीनों का रेशियो तो सेम ही रहने वाला है ना, 10, 6 और 4। ये आपको बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कल वाले क्वेश्चन में 10, 6 एंड 4। जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो ठीक है, 10, 6 एंड 4 छोड़ो, यहां यहां पे देख लेते हैं। 250, 100 एंड 150। लेट्स लेट्स लुक एट दिस नंबर। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट व्हेन द क्वांटिटी इज डबलिंग, व्हेन द क्वांटिटी इज गोइंग 2x, सेल्स इज ऑल्सो गेटिंग 2x, परचेज कॉस्ट इज ऑल्सो बींग 2x, कंट्रीब्यूशन इज ऑल्सो बींग 2x, सब कुछ डबल हो जा रहा है ना। लेट्स से 500 से 1000, ये फिर डबल होते जा रहा है। क्यों? बिकॉज प्रैक्टिकली आपने सेल्स निकाला कैसे? सेल्स आपने निकाला है पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ये भी ऐसे ही निकाला है, ये भी ऐसे ही निकाला है, हाँ या ना? बस पर यूनिट का नंबर ही तो अलग है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स तो सेम ही है, तो परसेंटेज चेंज सेम रह जा रहा है ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इनवेरिएबली इन ऑल सर्कमस्टेंसेस दीज थ्री विल रिमेन सेम। ये तीन सेम ही रहने वाले, परसेंटेज चेंज इन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन आर गोइंग टू बी सेम ऑलवेज। आर यू विथ मी सो फार? इफ दैट इज द केस, जस्ट अ सेकंड, इफ दैट इज द केस, कैन आई से दैट इंस्टेड ऑफ परसेंटेज चेंज इन सेल्स, कैन आई से परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन? परसेंटेज चेंज तो सेम ही है। कैन आई से दैट परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स, या परसेंटेज चेंज इन ईबिट डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन? यस नो, वन एंड द सेम थिंग। ओके, नाउ लेट्स ओपन दिस अप। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? इट विल बी चेंज इन ईबीआईटी ओवर ईबीआईटी। एंड व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन? इट विल बी चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन ओवर कॉन्ट्रीब्यूशन। यस नो? ओके, एक बार वापस से नंबर्स पे जाते हैं। मुझे एक बात बताना, व्हाट इज द चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन? आई एम नॉट आस्किंग द परसेंटेज चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, आई एम सेइंग व्हाट इज द चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन। 20 से 22 पे है, व्हाट इज द चेंज? 2K, करेक्ट। व्हाट इज द चेंज इन ईबीआईटी? ये बाय चांस सेम आ रहा है या हमेशा सेम आएगा? हमेशा सेम आएगा, देखना। दिस गोज फ्रॉम 20 टू 16, इन 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 अ डाउन सिनेरियो दिस गोज फ्रॉम 20 टू 16, दिस गोज फ्रॉम 5 टू 1। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रह जा रहा है, द फिक्स कॉस्ट इज सेम, सो द चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड द चेंज इन ईबिट इन क्वांटम टर्म्स, इन एब्सोल्यूट टर्म्स विल ऑलवेज बी सेम, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ये दोनों सेम होगा ना, तो बचा क्या? कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी। यू स्टडी अ बीकॉम बुक, अ सीए बुक, और एनी व्हाट डू यू कॉल एकेडमिक बुक, दे विल टेल यू दीज आर द टू फॉर्मूलाज, एक ये और दूसरा, दे विल से दैट इट इज कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ आई मीन एब्सोल्यूट सिलेबस एनी मोर, ये आपसे एज इट इज नहीं पूछेगा, बट लिवरेज के कॉन्सेप्ट दो तीन जगह पे पूरे के पूरे कोर्स में आते हैं। दे विल प्रोबली नॉट आस्क यू दिस डायरेक्टली, बट यू शुड नो दिस, यू शुड अंडरस्टैंड दिस वेल इनफ टू एनालाइज एनी बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट देखना, चेंज इन पैट।
परसेंटेज चेंज इन पैट ओवर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, सेम ड्रिल सेम ड्रिल। देखना एक बार, मुझे एक बात बताओ, चेंज इन पैट एंड चेंज इन ईबीटी, सॉरी परसेंटेज चेंज इन पैट एंड परसेंटेज चेंज इन पीबीटी, दिस विल ऑलवेज बी सेम और नॉट? पक्का होगा। क्यों? लेट्स से आई एम अर्निंग 100 रुपीज इनकम, माई टैक्स विल बी 30 रुपीज, 30%। इफ माई इनकम डबल्स टू 200, माई पैट विल बी, सॉरी टैक्स के टर्म्स में बात करते हैं, टैक्स के टर्म्स में बात करते हैं, जस्ट वन सेकंड। लेट्स से टैक्स रेट है 30%, दिस इज माई अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस, दिस इज माई टैक्स, दिस इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस। लेट्स से टैक्स है 30%, वॉट विल बी माई ई ए टी? 70। मैं ऐसे अगर कर दूं 200, मैं ऐसे कर दूं 200, दिस बिकम्स 140। तो यहां पे चेंज क्या आ रहा है? व्हेन यू डबल द ईबीटी द ईएटी आल्सो डबल, तो द परसेंटेज चेंज द सेम इजंट इट? दोनों में 100% इंक्रीमेंट हुआ ना। चेंज कितना आ रहा है देखना, दिस इज लेट्स से बेस केस सिनेरियो, दिस इज केस वन, डेल्टा या चेंज और चेंज, ये कितना आ रहा है? दिस इज 200 लेस 100, चेंज परसेंटेज इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस इन परसेंटेज टर्म्स, सेम है ना ये? अच्छा, अगर मैं 200 के बदले लेट्स से 500 कर देता, इवन देन द परसेंटेज चेंज वुड हैव बीन सेम? यस नो? व्हाई? बिकॉज टैक्स एंड ईएटी इज अ फंक्शन ऑफ ईबीटी, है ना, उसका एक परसेंटेज है वो, तो ये तीनों में भी परसेंटेज चेंज सेम रहेगा। सिमिलर ड्रिल, कैन आई से दैट ये परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी के बदले, कैन आई से दिस इज परसेंटेज चेंज इन ईबीटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी? वेरी वेल, यस। व्हिच विल बिकम चेंज इन ईबीटी ओवर ईबीटी इनटू चेंज इन ईबीआईटी ओवर ईबीआईटी, एंड जैसे यहां पे चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन और चेंज इन ईबीआईटी का अमाउंट सेम था, चेंज इन ईबीटी एंड चेंज इन ईबीआईटी का अमाउंट सेम होगा। क्वांटम टर्म्स में द फॉर्मूला बिकम्स ईबीआईटी ओवर ईबीटी। सर एक बार प्रूव करो दैट चेंज इन ईबीटी एंड चेंज इन ईबीआईटी विल बी सेम। देखना व्हाट इज द चेंज इन ईबीटी ओवर हियर 2000, व्हाट इज द चेंज इन ईबीआईटी ओवर हियर 2000, दिस विल ऑलवेज रिमेन सेम, क्योंकि डिफरेंस क्या है? फिक्स कॉस्ट का, वो तो चेंज ही नहीं हुई है। हाँ या ना? सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, व्हाट यू नीड टू नो इज आपको ये दोनों फॉर्मूला वैसे पता होने चाहिए, दिस पीस एंड देन दिस पीस एंड दिस पीस, आर वी गुड? वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीआईटी, दिस इज ईबीआईटी ओवर ईबीटी, यू मल्टीप्लाई दीज टू, ईबीआईटी ईबीआईटी कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचा गया कंट्रीब्यूशन ओवर ईबीटी। यस नो? ठीक है ना? Nothing more to add at my end on leverage. If you have any questions, happy to answer that, or else I'm taking a move from this one. I don't think this will be pertinently asked in the exam. You compute DOL, complete DFL. This is not in the syllabus anymore. Pehle hua karta tha. Understanding standpoint se important hai. Bahut baar leverage word use aayega, operating leverage use aayega. If you are a layman, matlab let's say agar aap kabhi business times padhoge na, तो वहां पे वो क्या बोलेगा, या बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ोगे, वो बोलेगा दिस फॉर्म इज ओवर लीवर्ड, दे कॉन्स्टेंटली यूज दिस वर्ड। आई विल शो यू राइट आर्टिकल्स राइट अवे, गिव मी जस्ट 2 मिनट्स, आई विल सर्च आर्टिकल्स, आई विल शो इट टू यू, दे विल से दिस बिजनेस इज ओवर लीवर्ड। अभी ओवर लीवर्ड बोलने से व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज दैट इसमें डेट बहुत ज्यादा है, इन लेमन टर्म्स दे आर डूइंग फाइन। कॉमन पार्लेंस में, बिजनेस इंडस्ट्री में लिवरेज वर्ड डेट को शोकेस करने के लिए यूज आता है, बट इफ यू आर ए ट्रू प्रोफेशनल यू विल अंडरस्टैंड दैट लेवरेज
इज नॉट अ फंक्शन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कि एक फर्म में लेवरेज का इंपैक्ट सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस बात से नहीं आता कि उसमें इंटरेस्ट उसको कितना देना, उसको फिक्स कॉस्ट से आता है। सो इफ देयर इज अ कंपनी जिसकी फिक्स कॉस्ट कंपोनेंट बहुत हाई है तो उसका लेवरेज बहुत ज्यादा है, वो चाहे ऑपरेटिंग साइड पे हो चाहे फाइनेंसिंग साइड पे। यस एक्सेप्टेबल दैट जनरली फाइनेंशियल लेवरेज इज द बिगेस्ट फैक्टर। रेंट तो कंट्रोल हो जाता है, लेट्स से मेरा फिक्स कॉस्ट क्या क्या हो सकता है, रेंट एंड इंटरेस्ट। लेट्स से इफ आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ द हाई रेंट ऑफ दिस प्लेस, आई जस्ट शिफ्ट। यू कैन नॉट डू दैट इन केस ऑफ इंटरेस्ट। नो, आपने 10 करोड़ रुपए लोन ले लिया, उसका ब्याज भरना चालू कर दिया, अब आपको उस लोन की वजह से तकलीफ हो भी रही है तो दोगे कहां से वापस? इतना पैसा होता तो लोन ही नहीं लेते। हाँ या ना? ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट बिट, लेवरेज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके बुक में जहां पे भी आए हुए हैं, जहां पे कोर्स में आए हुए, एक बार वो एरियाज दिखा रहा हूं। ठीक है, देयर इज एन एलओएस इन योर बुक व्हिच सेज, इट सेज कंपेयर द फाइनेंशियल क्लेम्स एंड मोटिवेशन ऑफ लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स, दिस इज इन कॉर्पोरेट इशुअर्स, इट सेज कंपेयर द फाइनेंशियल क्लेम्स एंड मोटिवेशन ऑफ लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स, लेंडर्स एंड शेयर होल्डर्स। ठीक है, लेट्स से आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, आई स्टार्टेड माय फुटवेयर ट्रेडिंग बिजनेस विथ अ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 लाख रुपीज। ठीक है, द सोर्सेज वर, माय ओन फंड्स, इक्विटी ऑफ 2 लाख, बैलेंस आई सोर्स फ्रॉम डेट, कोटक से लिया था 12% पे, 12% लोन फ्रॉम कोटक, 10% कर देते हैं, राउंड ऑफ रहेगा फिगर एटलीस्ट। ठीक है जी, ओके, लेट्स से इन दिस बिजनेस, दिस 5 लाख रुपी बिजनेस, आई मेड 20%, माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, व्हाट इज माय इन्वेस्टेड कैपिटल, 5 लाख, माय रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज 20%। ठीक है ना, फाइव लाख इंटू 20% 1 लाख, ये 1 लाख को जो कल इनकम स्टेटमेंट दिखाया था उसमें क्या बोलेंगे, ईबीआईटी है। क्यों? बिकॉज ये धंधे की प्रॉफिटेबिलिटी की मैट्रिक्स बता रहे हो। मैं 5 लाख रुपए लगाऊंगा तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर आई विल गेट 1 लाख, यस नो? सर समझ तो आ गया लेकिन फिर भी ना थोड़ा फ्रिक्शन लग रहा है, सुनना। लेट्स से आई इन्वेस्टेड दिस होल 5 लाख ओनली, केस नंबर टू, केस टू, आई हैव इन्वेस्टेड दिस 5 लाख ओनली, देयर इज वन स्मॉल डिफरेंस, इक्विटी इज 1 लाख, डेट इज 4 लाख्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट विल आई मेक इन दिस ईयर? स्टिल 1 लाख। मैं कितना भी डेट लगाऊं, कितना भी इक्विटी लगाऊं, मेरे पास टोटल 5 लाख रुपए है, मैंने धंधे में 20% कमाया, अभी मैंने डेट इक्विटी किसी को पे ऑफ नहीं किया है, विथ मी ऑन दिस और नॉट, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए। मतलब आई एम टेलिंग यू, आई हैव सीन मतलब सॉलिड सीवीज, और मैं ये डिस्कशन करना स्टार्ट करता हूं एंड दे आर फाउंड वांटिंग, इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं चाहिए। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, 20%, इन्वेस्टमेंट का सोर्स की ऐसी की तैसी, तुमने डेट रेस किया, इक्विटी रेस किया, चोरी करके पैसा लगाया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पैसा 20% दे रहा है ना, खत्म बात। आर यू विथ मी ऑन दिस? श्योर, ओके, ये हो गया 1 लाख रुपीज। नाउ लेट्स से आपने यहां कोटक में कितने देने थे, 10%, ठीक है, तो कोटक को कितने पैसे दे दोगे, 30,000। वॉट इज लेफ्ट फॉर इक्विटी फोक्स, 70,000। श्योर, ओके, सेम रखते हैं एक बार। लेट्स से इन दिस केस, केस टू, माय आरओआईसी इज 2%, व्हाट विल आई पे टू, उसको ना सिनेरियो टू कर रहा हूं मैं, दिस इज सिनेरियो टू, एंड दिस इज सिनेरियो वन।
इन सेकेंड सिनेरियो, इन सिनेरियो टू, व्हाट इज द डिफरेंस? आई मेड जस्ट 2% ऑन माय इन्वेस्टेड कैपिटल। यहां धंधा ही बर्बाद है, मैं 2% कमाता हूं और 10% पैसा उठाता हूं। आई एम मेकिंग 2% ऑन द कैपिटल, आई नीड 5 लाख टू डू दिस बिजनेस, दिस बिजनेस गिव मी 2%। और मेरा दिमाग खराब है, मैं बैंक पे गया, मैंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है, कह रहा है 10% इंटरेस्ट है, मैं कहा दूंगा। वो 10% पे उठाता हूँ, आगे 2% पे चढ़ाता हूँ, ये तो गड्ढा ही बनेगा। यस नो? सो आई एम मेकिंग 2% ऑन दिस, दिस इज 10,000, इक्विटी इज 2 लाख, डेट आई हैव टू पे 30K। यस नो? व्हाट इज लेफ्ट फॉर मी? -20K। -20K का इंटरप्रिटेशन बोलोगे इक्विटी वाले को क्या होगा? लॉस तो हो गया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इक्विटी गाय हैज डिप्लीटेड हिज कैपिटल। उसने जो इनिशियली 2 लाख लगाए थे ना, उसमें से 20,000 डूब गया, वो 1,80,000 रह गया। यस नो? उसने 2 लाख लगाए थे धंधे में, ही हैज इनकर्ड अ लॉस ऑफ 20,000। इन दिस केस व्हाट हैड हैपेंड, ही हैड गेन्ड 70,000 इन हिज इनिशियल कैपिटल। यस नो? सिनेरियो वन पकड़ के चल रहा हूं अभी, सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में मेरा टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल कितना हो गया होगा? 5 लाख जो कमाया था, सॉरी लगाया था, प्लस 70,000 दैट आई मेड। यस नो? इसमें से इक्विटी का कितना होगा? 2 लाख प्लस 70,000, एंड व्हाट इज दिस बिट? 3 लाख। यस नो? दिस इज ईयर वन, दिस इज ईयर टू विथ मी सो फार। सर ये 70,000 यहां क्यों जोड़ दिया? ये 70,000 इज द प्रॉफिट ना, दिस 70K इज द प्रॉफिट, एंड दिस 30K इज द इंटरेस्ट दैट आई वुड हैव पेड ड्यूरिंग द ईयर। सो इन द सेकेंड ईयर, इफ यू आस्क मी व्हाट इज द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इन मोड ऑफ, ये चाहे कैश में हो, चाहे मे बी डेटर्स में हो, चाहे स्टॉक में हो, किसी भी मोड पे हो, द टोटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस इज 5,70,000। आर यू विथ मी ऑन दिस और नॉट? बाय द वे, ये मैं सिर्फ और सिर्फ एक बैलेंस शीट ड्रॉ कर रहा हूं, दिस पीस इज द एसेट एंड दिस पीस इज व्हाट यू कॉल्ड एज लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, ठीक है ना? ये एक बैलेंस शीट है, ये हो गया एसेट्स और ये हो गया लायबिलिटी प्लस इक्विटी। विथ मी ऑन दिस और नॉट? कोई फ्रिक्शन है तो अभी बोलो। कोई फ्रिक्शन नहीं है, करेक्ट? ओके, ग्रेट, अमेजिंग। आई एम मूविंग अहेड। सेकेंड ईयर में सिनेरियो क्या दिखेगा? दिस बिकम्स 5,70,000 एंड सेकेंड ईयर में दिस बिकम्स 5,70,000। सही है, मैच भी होनी चाहिए बैलेंस शीट तो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बैलेंस। ओके, मुझे एक बात बताना, डेट वाले को कोटक बैंक इज गोइंग टू गेट 30K इररिस्पेक्टिव ऑफ मी हैविंग अ गुड ईयर और अ बैड ईयर। सो हिज पे आउट इज फिक्स्ड, हिज फाइनेंशियल मोटिवेशन इज जस्ट टू गेट हिज इंटरेस्ट एंड गेट हिज फंड्स बैक। यस नो? ओके, व्हाट इज द फाइनेंशियल मोटिवेशन ऑफ द इक्विटी गाय? मेरा क्या मोटिवेशन है? मेरा रेसिडुअल क्लेम है इस धंधे में, मुझे प्रॉफिट मिलेगा, ये आई हैव रेसिडुअल क्लेम इन दिस बिजनेस। आई एम होपिंग दैट सम डे, जैसे यहां पे 20% था, आई एम होपिंग दैट सम डे दिस प्रॉफिट वुड प्रोबेबली गो टू 40%। व्हाट विल आई मेक ऑन दिस इन्वेस्टमेंट? आई विल मेक 2,28,000। व्हाट विल आई पे टू द इंटरेस्ट? व्हाट विल आई पे एज इंटरेस्ट? 30,000। व्हाट विल आई मेक? 1,98,000। यस और नो? श्योर? पक्का? इस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है अपने को? ठीक है, अभी के लिए मैंने क्या किया, जस्ट ड्रॉन आउट द बैलेंस शीट फॉर यू।
ड्रॉन आउट द बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट बोथ। ठीक है, एक छोटा सा कंपोनेंट है जो मैं जाके आपसे डिस्कस करता हूं एफएसए में, बट बिकॉज आई एम डिस्कसिंग लिवरेज, बहुत इंटरटॉइंट कॉन्सेप्ट है, दो तीन कॉन्सेप्ट एक साथ क्लोज हो जाएंगे तो चलो बात कर लेता हूं। मैं बात कर रहा हूं रिटर्न रेशियोज की। आपने वर्ड सुने आर ओ ई, आर ओ सी बढ़िया, या फिर आर ओ आई सी। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट नेट प्रॉफिट मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ये वर्ड्स भी आपने सुने होंगे, करेक्ट? ओके, सुनना, कुछ रूल्स बोल रहा हूं, अगेन बात ना रटने की नहीं है, कॉन्सेप्चुअली अगर रटेंगे तो भी ठीक है। वो रिटर्न रेशियोज, इसका एक ही फॉर्मूला है, अर्निंग, लिखना मत अभी रुक जाओ, डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। ठीक है ना, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अर्निंग किसकी निकालनी है, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग निकालनी है, तो न्यूमरेटर अर्निंग किसकी होगी, मतलब मैं ये बोल रहा हूं रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब अर्निंग, इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या अर्निंग मिली है, ये है क्वेश्चन, देखना एक बार, जस्ट गिव मी अ सेक। देखना एक बार क्या कह रहा हूं मैं, रिटर्न रेशियोज का क्या कॉन्सेप्ट है, दैट रिटर्न ऑन वॉट एवर हो, ये होगा अर्निंग ओवर इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी हुआ, ये हुआ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो न्यूमरेटर क्या होगा, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल तो क्या होगा, अर्निंग्स अगेंस्ट या अर्निंग्स फॉर इन्वेस्टेड कैपिटल डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट बाय टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल, मतलब टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल हो जाएगा एक तरीके से, टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल। अब आइए एक एक करके स्टडी करते हैं, इक्विटी वाले को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, इक्विटी वाले को कौन सा प्रॉफिट मिलता है, ये यही वाली शीट पे देखो, देखना इसमें से ये नेट ईबीआईटी पे किस किस का हक है, कौन कौन ईबीआईटी, ईबीआईटी इज अ मैट्रिक्स ऑफ अर्निंग, इसमें से कौन कौन पैसे उठाएगा, ये 5,000 रुपए आए तो कौन कौन खुश हो रहा है, इक्विटी वाला खुश हो रहा है, डेट वाला भी खुश हो रहा है, उसको पता है ईबीआईटी बढ़िया तो मेरा भी पैसा निकल जाएगा, और कौन हो रहा है, इक्विटी डेट और गवर्नमेंट, टैक्स भी दोगे ना इससे, मोदी साहब भी कह रहे हैं हाँ कमाया सेठ ने, मेरे को भी देगा टैक्स, ठीक है ना, यहां पे इंटरेस्ट निकल गया तो डेट वाले एलिमिनेट हो गए, बचा कौन, इक्विटी और गवर्नमेंट, यहां गवर्नमेंट एलिमिनेट हो गई, ये किसके लिए बचा, इक्विटी के लिए, मैं अपनी स्टडी में गवर्नमेंट को अभी के लिए हटा ही दे रहा हूं, तो ये किसको है इक्विटी और डेट, और ये किसको है इक्विटी, तो अर्निंग्स फॉर टोटल इक्विटी एंड डेट क्या होगा, ये होगा ईबीआईटी, अर्निंग्स फॉर इक्विटी एंड डेट क्या होगा ईबीआईटी, और अर्निंग्स फॉर इक्विटी क्या होगा, ये होगा पैट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी कितना होगा, जैसे मैं अपना वाला एग्जांपल लू, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट बाय इक्विटी, 2 लाख, व्हाट वाज द इन्वेस्टमेंट बाय, व्हाट वाज द टोटल इन्वेस्टमेंट, 5 लाख, यस नो, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा इक्विटी, यहां पे आएगा इक्विटी प्लस डेट, कॉन्सेप्चुअली याद करना इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो कोई भी दो रेशियो, कोई भी दो चीज को एक के नीचे एक लगा दो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मेट्रोज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, कोई तो रेशियो है ही है, अभी सेंस तो खाक नहीं बना ना इसका, कोई भी दो चीज को डिवाइड करने से रेशियो तो आ ही जाता है, बट इट डजंट मेक एनी सेंस। हाँ मैं इसका ऑपोजिट बोलूं कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव इन अ डे 1 लाख, नंबर ऑफ मेट्रोज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव इन अ डे 100, 1 लाख बाय 100, 1,000 पीपल पर डे पर ट्रेन ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव, दिस रेशियो मेक सेंस, तो कोई भी दो चीजों को डिवाइड करने से रेशियो आ जाएगा, लेकिन उसका सेंस भी तो बनना चाहिए, यहां बोल क्या रहा है, बोल रहा है इक्विटी वाले को क्या रिटर्न छूटेगा, तो रिटर्न ऊपर इन्वेस्टमेंट नीचे, आर यू विथ मी सो फार,
बहुत सारी बुक्स में ईबीआईटी के बदले ईबीआईटी इंटू वन माइनस टैक्सेस भी लिखा होता है, जिसको आप लोग नोपैट नाम से जानते हैं। सर हम कुछ नहीं जानते, आगे जान जाएंगे। नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो हुआ क्या, ये ईबीआईटी था, इसको आफ्टर टैक्स कर दिया, नोपैट आ गया। सर हमको आफ्टर टैक्स समझ नहीं है, मैं अभी नहीं बता सकता टैक्स के बारे में, अभी छोड़ दो, अभी मान लो इनटू वन माइनस टी करने से आफ्टर टैक्स हो जाता है। और हैव यू डिस्कस दिस इन दिस क्लास? वी हैव नॉट डिस्कस दिस आफ्टर टैक्स एडजस्टमेंट, ठीक है, नो वरीज, ये अभी के लिए पेंडिंग। बहुत सारी बुक्स में ईबीआईटी ओवर ई प्लस डी लिखा रहता है, बहुत सारी बुक्स में ईबीआईटी इंटू वन माइनस टी डिवाइडेड बाई ई प्लस डी लिखा रहता है। सर हमको एग्जाम में क्या करना है, आपके एग्जाम में नोपैट बाय व्हाट यू कॉल टोटल इन्वेस्टमेंट चलता है, लेकिन वो जब चैप्टर पे आएंगे वी विल डिस्कस दैट, नॉट टू वरी। ठीक है, आपको कॉन्सेप्चुअली समझ आना जरूरी है। रेशियोज का बहुत सारी बुक्स में थोड़ा थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट वर्जन आर अवेलेबल। आई वोंट बी एबल टू डिफेंड एवरीथिंग, आई वोंट बी एबल टू टेल यू कि मतलब आई वोंट बी एबल टू रोट लर्न एनीथिंग फॉर यू। मैं आपको कॉन्सेप्ट बोल दूंगा, आपकी बुक में जो लिखा है उससे काम चला लो। आपको कॉन्सेप्ट क्या समझ आना चाहिए, न्यूमरेटर में क्या है कमाई, डिनोमिनेटर में क्या है लागत इन्वेस्टमेंट, एंड इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एज वेल। मतलब इट्स नॉट लाइक कि इसको याद करके कर दिया है कि ठीक है भाई न्यूमरेटर में इन्वेस्टमेंट, सॉरी न्यूमरेटर में कमाई एंड डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट, इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने 100 रुपए लगाया और 12 रुपए कमाए, तो 12% कमाया ना, दैट्स व्हाई इट इज 12/100। इफ आई रिवर्स इट, इफ आई से 100/12, ब्लडी हेल इट डजंट मेक एनी सेंस। 100/12 क्या निकला, 8 point something, व्हाट इज द मतलब, हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? अगेन डिवाइड करेंगे, आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा, बट हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, आर वी गुड? और इंटरप्रिटेशन क्यों निकल रही थी, मैंने इफ आई इन्वेस्टेड 100 आई गॉट 8, व्हाट इफ आई इन्वेस्ट 1 आई गेट 8/100, दैट इज 8%। सो आई एम सेइंग दैट फॉर एवरी $1 इन्वेस्टमेंट आई मेक 0.08, सो दैट्स द इंटरप्रिटेशन, आर वी गुड? श्योर, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डन, आरओआईसी डन, रिटर्न ऑन इक्विटी डन, करेक्ट? मार्जिन रेशियो सुनना, मार्जिन रेशियोज मीन, मार्जिन रेशियोज का बेसिक फॉर्मेट क्या रहेगा देखना एक बार। मार्जिन मीन्स मैंने 100 रुपए का माल बेचा, इसमें मार्जिन क्या है, मीन्स प्रॉफिट कितना है इसमें, करेक्ट? तो यहां क्या क्या हो सकता है, दिस विल बी प्रॉफिट बाय सेल्स, यही सेल्स को लोग रेवेन्यू भी कह देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन बोले ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, तो न्यूमरेटर में ग्रॉस प्रॉफिट, क्वेश्चन बोले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, तो क्वेश्चन में ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्वेश्चन बोले नेट प्रॉफिट मार्जिन, तो नेट प्रॉफिट, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, या दैट डिपेंड्स ऑन द स्टडी दैट यू आर करेंटली डूइंग, आर वी गुड? एनी फ्रिक्शन टिल दिस पॉइंट? एनी फ्रिक्शन टिल दिस पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट ओवर है, दिस इज ईबीआईटी। सर ईबिटडा और ईबिट में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, ईबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन तो ऑपरेटिंग नेचर का हुआ ना एक्सपेंस, हाँ या ना? मैं फैक्ट्री चला रहा हूं, डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुआ ना, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबिट। सेड सो देर आर बुक्स जहां पे आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब ईबिटडा लिखा दिख जाएगा। सर वो वैसा क्यों कर रहे हैं, कभी अगर वैसी जगह पे फंसेंगे तो बता दूंगा, अभी के लिए इग्नोर करो। ठीक है, वो कैश इक्विवेलेंट देखना चाह रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं, बट ये जो मैंने लास्ट पार्ट बोला इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये हमारे पूरे के पूरे डिस्कशन से व्हाट यू नीड टू डिराइव इज दैट ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ईबिट, तो जीपी या ईबिट या नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, तो मार्जिन रेशियो विल बी एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स एंड रिटर्न रेशियो विल बी एज अ विल बी विल हैव द फॉर्मेट ऑफ कमाई डिवाइडेड बाय लागत, अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना? वो जैसा रहेगा आपको चेंज करना पड़ेगा, फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं याद करा सकता मैं। जीपी क्या है, व्हाट इज जीपी? जीपी इज सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज जीपी, सेल्स सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दिस इज जीपी, लेस अदर
कॉस दिस इज ईबिटडा लेस डीए दिस इज ईबिट, इसके नीचे का तो पता है आपको, लेस इंटरेस्ट ईबीटी लेस टैक्सेस ईएटी और पीएटी। एक्सक्यूज मी फॉर द हैंड राइटिंग, वो टैब मोड में नहीं है इसलिए थोड़ा सा क्लीन नहीं आती है राइटिंग। शेल वी कॉल जीपी एज द कंट्रीब्यूशन, एक कैंडिडेट पूछ रहे हैं जीपी कंट्रीब्यूशन होगा क्या, नहीं सेम नहीं होता वो। कंट्रीब्यूशन वॉज सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है ना, वो डिफरेंस है। कुछ सीओजीएस वेरिएबल हो सकता है, कुछ सीओजीएस फिक्स्ड हो सकता है, ठीक है, वो सब मैं नहीं जाते अभी के लिए, दो अलग अलग वो चल रहे हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं आपको आपके एग्जाम, अगर आप अकाउंटिंग फॉर्मेट देखेंगे तो ये अकाउंटिंग फॉर्मेट है, ये जो मैंने आपके सामने बनाया ये अकाउंटिंग पी एंड एल है, ठीक है ना। अगर आप एनालिटिकल स्टैंड पॉइंट से देखेंगे तो वो सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एंड देन दे मूव फॉरवर्ड, ठीक है ना, वो कैटेगराइजेशन उसकी अलग कर देते हैं। जैसे मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा था ना फिक्स्ड और वेरिएबल में, जैसे मैं डिफरेंस क्रिएट कर रहा था ऑपरेटिंग वर्सेस नॉन ऑपरेटिंग, या फिर एक तरीके से बोल लो फाइनेंसिंग पार्ट में, सिमिलरली डिफरेंस आएगा कैश वर्सेस नॉन कैश में। तो देर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर इन प्ले एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। अभी के लिए आप इतने से सेटल करिए, यू शुड बी गुड, ठीक है जी। जितना भी डिस्कशन किया इसका टेक अवे क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी या रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, ये सबका फॉर्मेट सेम है। रिटर्न का क्या मतलब है, न्यूमरेटर में कमाई, डिनोमिनेटर में लागत इन्वेस्टमेंट। व्हाट विल हैपन इन केस ऑफ मार्जिन रेशियोस, कमाई डिवाइडेड बाय सेल्स, दैट्स इट, ठीक है जी। ये सब पढ़ क्यों रहे थे, अब ये देखना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बोल रहा है द क्वेश्चन हियर सेज इंपैक्ट ऑफ लेवरेज ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, जस्ट गिव मी अ सेक, एक मिनट रुक जाइए। आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है आपकी स्क्रीन पे, आपको कंप्यूट करना है, प्लीज डू इट। इफ यू आर वॉचिंग दिस इन रिकॉर्डेड मोड प्लीज पॉज दिस वीडियो ओवर हियर, इसे खुद सॉल्व करो एंड देन On the other side of the video, you'll get the answer. I'm pausing the recording as of now. क्या होगा देखना इन दोनों केसेस में, रेवेन्यू इज 1000, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर 800, तो ये हो गया 1000 लेस 800, दिस इज 200, करेक्ट। ये 200 क्या है पहले मुझे ये बताओ, कौन सा नाम बोलो, करेक्ट, ये रेवेन्यू है, इसका नाम बोलो क्या है, ये ईबीआईटी है, हाँ या ना, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, तो सेल्स में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस काटूंगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचेगा ना, है ना। लेस इंटरेस्ट, अगर केस वन बोलूं तो ये आ गया निल, ईबीटी ये कितना आ गया 200, लेस टैक्सेस निल, क्यों बोल रहा है अज्यूम नो टैक्सेस, दिस इज 200, दिस इज ईएटी और नेट इनकम, निकालना क्या था, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज नेट इनकम डिवाइडेड बाय इक्विटी इन्वेस्टेड, इक्विटी कितना था 1000 रुपए का, आरओई कितना होगा 20%। दिस इज द वे टू सॉल्व क्वेश्चंस व्हेनेवर यू गेट इट, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ के माइंड में कर लिया, आंसर निकाल दिया, विल नॉट वर्क। दूसरा, आप लोग बहुत लोग ऐसे ऐसे सॉल्व करते हो, ऐसे ऐसे कुछ कर दिया रफ में ऊपर नीचे लास्ट पेज पे या उल्टा लिखते हुए और उसके बाद एक आंसर निकाल लिया, दिस वॉन्ट वर्क। वेन एवर यू आर वर्किंग, वेन एवर यू आर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, उसे ऑर्डरली मैनर में ही सॉल्व करो। मैं तो ऐसे ही सॉल्व करता था, एज इफ आई हैव टू सबमिट दिस एज अ सब्जेक्टिव आंसर इन माई एग्जाम्स, मुझे अदरवाइज अगली बार देख के क्लैरिटी कैसे आएगी, ये तो रफ में किया, अगली बार के लिए यूजफुल ही नहीं है वो। केस टू में क्या होगा, सेम ईबीआईटी 200,
अब बोल रहे हैं द एसेट्स आर फंडेड बाय मिक्स ऑफ 50-50 डेट एंड इक्विटी, तो डेट कितना है इक्विटी कितना है, तो इंटरेस्ट कितना होगा, 10% ऑफ 500, दिस इज 50, दिस बिकम्स 150, ईबीटी कितना हुआ 150, हाँ या ना, टैक्स क्या होगा, अभी भी निल, व्हाट इज नेट इनकम 150, इक्विटी कितना है 500, द रिटर्न ऑन इक्विटी इज 30%, यस नो, चलो पढ़ाया हुआ है दोस्त, ये वेदांत दिस वॉज टॉट इन द वेरी फर्स्ट क्लास, डू वॉच दैट वीडियो, ये पढ़ाया हुआ है, चलो मैं केस थ्री बोल रहा हूं, केस थ्री बोल रहा हूं, डेट इज टू इक्विटी, डेट इक्विटी रेशियो मैं बोल दे रहा हूं, इज 40:60, रुको 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 रुको, डेट टू इक्विटी इज 80:20 एंड इंटरेस्ट रेट इज 25%, अब निकालो रिटर्न ऑन इक्विटी, तो आई सेड केस थ्री डेट टू इक्विटी रेशियो इज 80:20, डेट टू इक्विटी रेशियो इज 80:20, इंटरेस्ट रेट इज 30%, चले आगे देखें क्या होगा, मुझे बताओ रेवेन्यू कितना होगा, रेवेन्यू विल बी 1000, व्हाट विल बी ईबीआईटी, ईबीआईटी विल बी 20% ओनली, इट विल बी 200, बिकॉज वहां तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं ना 800 के, ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब क्या है, इंटरेस्ट इसमें गिन लिया है या नहीं गिना है, काउंटेड द इंटरेस्ट और नॉट काउंटेड द इंटरेस्ट रेट, नॉट काउंटेड द इंटरेस्ट, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑपरेटिंग, लेस इंटरेस्ट कितना, ये निकालना पड़ेगा कि टोटल डेट और इक्विटी था कितना, तो डेट टू इक्विटी वॉज 80:20 विथ मी सो फार, 1000 रुपए का अगर टोटल कैपिटल है तो डेट कितना 800, इक्विटी कितना 200, ये 800 पे ब्याज भट्टा देना पड़ेगा, कितना कितना 30% पे पैसे उठाए, 30% इंटरेस्ट कितना दोगे 240, ईबीटी कितना लेस टैक्सेस, मोदी साहब कह रहे हैं तुमसे नहीं लेंगे टैक्स, दिस इज -40, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंप्यूटेशन निकाला है, रिटर्न ऑन इक्विटी विल बी -40 डिवाइडेड बाय, जब माइनस में होंगे ना फिगर्स तो ये रेशियोज ना मीनिंगफुल नहीं रह जाते, दिस इज नॉट वेरी मीनिंगफुल बैक देन, बट ठीक है नो वरीज, अभी के लिए कंप्यूटेशनल पर्पस के लिए दिस इज फाइन, आर वी गुड, आगे चलें, केस फोर डेट टू इक्विटी इज 50-50, इंटरेस्ट रेट इज 20%, बिना कंप्यूट की आंसर बता पाओगे, बिना कंप्यूट की आंसर बता पाओगे, जीरो आएगा आंसर, अगर ये डेट टू इक्विटी 50-50 के बदले 80:20 होता और इंटरेस्ट रेट 20% होता तो कितना आंसर आता, सेम 20%, सेम 20% आंसर आता, निकालो आप लोग एक बार 50-50 के केस में निकालो, ईबिट कितना है, ईबिट वॉज 200, इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या है, टोटल एसेट्स कितने हैं, टोटल एसेट्स थे 1000 के, ये फंडिंग कहां से हो रही है, डेट और इक्विटी से,
क्या है रेशियो? 500 एंड 500, यस नो? ठीक है ना, डेट पे कितना परसेंट इंटरेस्ट? 20%। 500 का 20% इज 100, लेस कर दो 100, ईबीटी कितना आ गया? दिस इज 100, यही ईएटी हो गया क्योंकि कोई टैक्सेस नहीं है। डिवाइडेड बाय इक्विटी, इक्विटी कितनी है? 500, 100 बाय 500। आर वी गुड सर? ये 80-20 होता तो ईबिट वॉज 200 लेस इंटरेस्ट वुड बी, अब 800 और 200 हो गया, ये 1,000 रुपए के टोटल एसेट्स हैं, 800 डेट, 200 इक्विटी। ये 20%, ये हो गया 160, इसमें से 160 दे दिया, बचा 40। 40 क्या है? ईबीटी, यही ईएटी भी है। इक्विटी कितना था? 40 बाय 200। बाय चांस आ रहा है? पक्का यही आएगा? यही आएगा, कोई डिफरेंस है ही नहीं। सुनना, पहले क्वेश्चन से चलते हैं। अब आओ देखना, आपने पैसे लगाए 1,000 रुपए, ठीक है, आपने पैसे लगाए 1,000 रुपए, ये 1,000 में से एक पोर्शन इक्विटी का है, एक पोर्शन डेट का है। अच्छा एक सेकेंड रुको, आई 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 गो टू दैट लेवल। एक बार पहले इसको क्लोज कर लेते हैं। यू शुड अंडरस्टैंड दैट द ऑपरेटिंग मार्जिन ऑफ दिस बिजनेस वॉज 200 बाय 1,000, दैट इज 20%, यस नो? द ऑपरेटिंग मार्जिन वॉज 20%, ठीक है। मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल कितना है? 20%, है ना? आप इन्वेस्टेड कैपिटल रेज कहां से करते हो? इक्विटी और डेट से, यस नो? आपने ये रेज किया और इसे इन्वेस्ट किया 20% पे, ठीक है, विथ मी सो फार। आपने इसे इन्वेस्ट किया, इस पैसे ने आपको 20% दिया। मैं कुछ ऐसा बोलना चाह रहा हूं, आपने 1,000 डॉलर मान लो कंप्लीट इक्विटी के रेस किए, इसने आपको 20% दिया, आपके बिजनेस का प्रॉफिट 20 200, ठीक है। ये केस वन था। केस टू, आपने 1,000 रुपए रेस किए इक्विटी प्लस डेट से, इक्विटी 500, डेट 500। लेट्स से दिस वॉज द फॉर्मेट, करेक्ट? यू इन्वेस्टेड दिस एट 20%, द बिजनेस गिव्स यू 200। ये ईबीआईटी है ना, ये तो सेम ही रहने वाला है, हाँ या ना? बिल्कुल करेक्ट बात है, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान दे रहा हूँ। ये जो 20% है, ये जो 20% है, सॉरी, ये जो 500 रुपए, ये आपने रेज कितने पे किया था? ये रेज किया था 10% पे, और इन्वेस्ट कितने पे किया? 20% पे, हाँ या ना? प्रैक्टिकली देखो ऐसा हो रहा है, आपने खुद के फंड लगाए 500, ठीक है, और अदर्स के फंड्स लगाए 500, करेक्ट? खुद के फंड्स लगाए 500, दूसरों के फंड्स लगाए 500, इस पे कमाई कितनी की? 20%। और इस पे एक्सपेंस कितना किया? इस पे निल, और इस पे 10%। तो नेट क्या हुआ? नेट हुआ ये 20%, ये हुआ 10%, तो टोटल आ गया 30%, ये बोलना चाह रहा हूं, हाँ या ना? सुनना, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, इससे बहुत अच्छी क्लैरिटी आएगी। ये द एग्जाम्पल दैट आई एम अबाउट टू गिव नाउ हैज बीन यूज्ड बाय मी एटलीस्ट 10 to 20 times इन सीएफए क्लासेस। लेट्स से आई इन्वेस्टेड 1 लाख इन माई बिजनेस, 1 लाख रुपए मैंने अपने धंधे में लगाए, और इससे मैंने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। कर मत लेना ना तुम लोग, है ना? ऐसे सर ने एग्जाम्पल में बोला था, एक आते से रिटर्न तो हम करके दिखा, ये एक चमत्कार करने की जरूरत नहीं है, स्टोरी है ये, इस कहानी के सारे पात्र काल्पनिक हैं, ठीक है ना? मैंने इस पे 60% कमाया, व्हाट डिड आई मेक इन दिस ईयर?
या 0.6 लाख लिख देते, ठीक है। आई टोल्ड माई डैड, मैं क्या कमाते हो, क्या रियल एस्टेट, साल का 30%, 35%, 25%, नो थ्रिल नो मनी, 60%, आई एम बीटिंग यू 2x। ही सेज फिर मेरे पैसे भी लगवा ले, आई ऑल्सो वॉन्ट टू इन्वेस्ट विद यू। मैंने कहा ठीक है लगा दो। कह रहे 50-50% पार्टनर। मैं कहा कल जूते का धंधा लेके आया था, तब तो नहीं की थी पार्टनरशिप, तब तो कह रहे थे मैं बड़ा अमीर आदमी हूं, मैं कोई धंधा नहीं करूंगा, मुझे चुपचाप से ब्याज दे दे। अभी भी ब्याज लोगे तो बताओ, इंटरेस्ट पे पैसे दोगे मुझे तो चलेगा, मैं आपके साथ पार्टनरशिप नहीं करना चाहता। लोग कल मेरे बाप को जज कर रहे थे, आज मेरे को जज कर रहे हैं। ऐसा है वही जो मैंने कल बोला था भाई, धंधे की बात है अभी, है ना पिताजी, रिलेशन रिलेशन अपनी जगह, अभी तो पैसे की बातचीत है, ठीक है ना। दिस वॉज केस नंबर वन। आई टेल हिम दैट ओके यू कैन इन्वेस्ट, आई एम रेडी टू टेक 9 लाख एज डेट। हाँ मुझे 9 लाख रुपए डेट दे दो, मैं टोटल 10 लाख रुपए लगाऊंगा, ठीक है। ये है ओन फंड्स, ये है अदर्स फंड्स, ठीक है ना। बाप को अदर बोल रहा है आदमी, ठीक है, सेंटिंग नहीं होना है, ठीक है। मुझे बताओ ये 10 लाख पे कमाई कितनी आएगी, 60%, 6 लाख। डैड ने बोला आई विल चार्ज लेट्स से 10% इंटरेस्ट। डैड को कितने दूंगा, 0.90 लाख। मैं इनकम स्टेटमेंट बना रहा हूं, मेरा ईबीआईटी कितना होगा बताना, 6 लाख। माई ईबीआईटी 6 लाख, बिकॉज वो धंधे की कमाई है, चाहे पीछे से डेट हो चाहे इक्विटी हो, परवाह नहीं है। ये पूरे 10 लाख मेरे होते तो 6 लाख कमाता, इसमें से 9 लाख पापा से लेके लगाया हूँ, 1 लाख खुद के लगाया हूँ, तो भी डजेंट मेक एनी डिफरेंस। माई ईबीआईटी विल बी 6 लाख। आर यू विथ मी ऑन दिस? यस, ओके, लेस इंटरेस्ट। ईबीटी टैक्सेस नहीं है, मान लो ईबीटी इज इक्वल टू ईएटी इज इक्वल टू 5.1 लाख। इक्विटी इन्वेस्टेड कितना था, 1 लाख। आरओई कितना है, आरओई कितना है, 5.10 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आएगा ये, क्या 510, 510%। सर क्या हो रहा है, आप ड्रग रग तो नहीं बेचने लग गए? ये तो सुपारी के बिजनेस में आती है जी कमाइयां। इन्वेस्टमेंट लेट्स से 10,000 की ठा मिल रहे हैं 2 करोड़ रुपए मारने के, ये तो सर वैसे बिजनेस लग रहे हैं। ये क्या, ये यही तो लेवरेज का इम्पैक्ट है ना, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ लेवरेज। नो क्या हुआ है देखना, जो 1 लाख रुपए मेरे खुद के थे उस पे मैंने क्या पैसे कमाए, 60%, कितना पैसा आया होगा। ये है इन्वेस्टमेंट, ये है अर्निंग, ये है एक्सपेंस, ये है नेट अर्निंग, और यहां पे लिख लेते हैं नेट अर्निंग्स परसेंटेज। ओन इन्वेस्टमेंट पे, ओन इन्वेस्टमेंट, ओन फंड्स 1 लाख, अर्निंग्स है 60%, एक्सपेंस है निल, नेट अर्निंग्स है 60%, कितना पैसा आया होगा, 60,000, ठीक है ना। अभी नेट अर्निंग्स परसेंटेज को छोड़ दो, इग्नोर दैट। पापा से लिए थे 9 लाख, कमाए कितने इस पे, 60%, कितने कमा लिए होंगे, 5.4 लाख। इस पे खर्चा कितना किया, हाँ कितना लिया पापा ने, प्यार 10%, 0.90 लाख। नेट अर्निंग क्या हुई, 4.5 लाख। टोटल अर्निंग क्या हो गई, 5.10 लाख। यह टोटल अर्निंग, यस नो, और इन्वेस्टेड अमाउंट कितना था, मतलब मैं ये 5 लाख 10 हजार किसको बिलोंग करता है, मैंने टोटल 6 लाख कमाए,
6 लाख में से 90 हजार दे दिए डैड को और 5 लाख 10 हजार खुद को। इन्वेस्टमेंट कितनी की थी हम दोनों ने? इन्होंने कितने दिए थे? 9 लाख। मैंने कितने लगाए थे? 1 लाख, है ना। रिटर्न परसेंटेज कितना आया होगा हमारा? यह है रिटर्न। व्हाट इज द रिटर्न परसेंटेज? रिटर्न परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कमाई ओवर लागत। कमाई 90 हजार, लागत 9 लाख। सर तो बोलते कैसे लागत? आप कहां से न्यूयॉर्क जाओगे? यही बोल के चल जाएंगे हम। 5.1/1। डन? यस नो? ये टोटल अर्निंग 5 लाख 10 हजार रुपए। आपको ये समझ आना चाहिए दो हिस्सों में टूटी हुई है। मैं अपने 1 लाख पे तो 60% ही कमा रहा हूं, पापा वाले पे क्या कर रहा हूं? पापा वाले पे हम किलिंग इट, क्योंकि अपने जेब से पैसा लग ही नहीं रहा। मैं कब तक बोरो कर लूंगा? लेट्स से माय डैड टुमारो कम्स टू मी एंड ही, उनको गलती से ना ये शीट दिख गई तो उनको क्या लगेगा? और कि तू तो एक नंबर का चंट निकला। देर आर वर्ड्स विच आई एम नॉट यूजिंग नाउ, है ना, विच ही वुड यूज। बोलेंगे तूने अच्छा धंधा कमा रखा है। कह रहे अब मैं नहीं दे रहा तुझे पैसे। मैंने कहा अरे क्या हो गया, आप तो नाराज हो गए, ब्याज ज्यादा ले लो। आप क्यों परेशान होते हो? आप भी कमा लो, मेरी कमाई देख के क्यों परेशान हो रहे हो? आप तो गरीब पे रहे। कह रहे लेकिन इसका मिक्स थोड़ा अलग होना चाहिए। मैं कहा फिर बताओ क्या करोगे आप? वो कितना ब्याज तक बोले कि मैं मान जाऊंगा? वो 60% से कम कुछ भी लेंगे ना मैं मान जाऊंगा, क्योंकि मेरे को अपने वाले पे तो 60% आ ही रहा है। 60% से कम कुछ भी ले ले मैं मान जाऊंगा। माय ओवरऑल रिटर्न विल गो अप, करके देख लो एक बार। लेट से माय डैड टुमारो सेज दैट ओके, इंस्टेड ऑफ दिस 10%, इंस्टेड ऑफ चार्जिंग 10% एज इंटरेस्ट, आई विल चार्ज 55% एज इंटरेस्ट। पिताजी भी ना लोन शार्क हो गए, 55% ब्याज लेता है कोई। शराफत भूल गया पापा ना। 55% कितना आएगा? 4,95,000, यही आ रहा है एग्जैक्ट। श्योर ना? गलती तो नहीं है ना इसमें? पक्का? 9 × 55%, 45। हाँ 495, करेक्ट। डिफरेंस कितना आएगा? 540 माइनस 495, 45,000। 45,000 टोटल क्या बना? 1,05,000 ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। अभी भी 105% है। केस 3, पापा को लालच थोड़ी ज्यादा हो गई। ये 60% हो जाता है। कह रहा मैं तो 60% ही दूंगा। अब मैं 5.4 लाख उनको इंटरेस्ट दूंगा, मुझे कुछ नहीं बचेगा। टोटल बचा ये 60K ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख, दिस बिकम 60%। प्रॉब्लम किसको होगी? पापा को। अगले साल में बोलूंगा चाहिए ही नहीं पैसे, तुम्हारे लिए क्यों मेहनत करूं? 60 हजार तो मैं अपने से ही कमा सकता था। वो कह रहे हैं पैसे तो घर में आ रहे। मैं कहा होगा आपका घर। मैं नहीं करता ऐसे पागलों से मान भागना। ये वाले केस में प्रॉफिट कब तक इंक्रीज रहता? बिना कंप्यूट किए दिखना चाहिए था। 20% तो अपनी कमाई है, 20% तो धंधे की कमाई है। जब तक 20% से कम पे बोरो कर लोगे तब तक रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ता जाएगा। सर पढ़ाना क्या चाह रहे हो? इंपैक्ट ऑफ लिवरेज ऑन आरओई टिल द पॉइंट ऑफ टाइम योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस देन द आरओई योर सॉरी टिल द टाइम योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग विल बी लेस देन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल योर आरओई विल गो अप। आर वी गुड? श्योर? धंधा कितना दे रहा था? धंधा 20% दे रहा था। अगर तुम 20% से कम पे बोरो कर पाए तो तुम्हारा आरओई 20 से ज्यादा बैठेगा, क्योंकि तुम 20 तो अपने पैसे पे कमा रहे होगे। यू विल अर्न 20 ऑन योर फंड्स एंड देन यू विल मेक सम गुड मनी ऑन द बैलेंस फंड्स एज वेल। ओवर हियर व्हाट वाज हैपनिंग, लुक इन दिस सिनेरियो आई वाज मेकिंग 60% ऑन माय फंड्स एनीवेज, बट व्हाट आई डिड वाज आई मेड 4.5 लाख एक्स्ट्रा ऑन द फंड्स जो मेरे थे भी नहीं।
ये फंड्स किसके थे? पापा के थे, है ना? उनको क्या दिया? उनको 9% देके बाय बोल दिया, 10% देके बाय बोल दिया, बच गए 4.5 लाख रुपए। 4.5 लाख रुपए की कमाई गिनूंगा किस पे? आए तो 1 लाख रुपए की वैसे ही थे ना, तो उसकी वजह से द टोटल प्रॉफिट बिकम्स 5.1 लाख ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। प्रॉफिट बवाल हो जा रहा है, हाँ या ना सर? ये सब ना थ्योरिटिकली तो ठीक है, प्रैक्टिकली तो सेंस ही नहीं बना इसका। प्रैक्टिकली कहाँ होगा ऐसा? प्रैक्टिकली ऐसा होता है, ये जितनी प्रॉप डेस्क हैं इनको 10x की लिवरेज मिलती है, 5x 10x की लिवरेज मिलती है, इनका इफेक्टिव कॉस्ट ऑफ बोरिंग 6-7% हो जाता है। यहाँ जो ट्रेडर्स बैठते हैं वो 2-3% अगर अर्न कर लें तो द रिटर्न्स बिकम किलर। सर आपने ऐसा देखा है? मैंने बहुत क्लोजली देखा है। द काइंड ऑफ रिटर्न्स आई एम टॉकिंग अबाउट यू विल नॉट इमेजिन दैट इन योर लाइफ। ठीक है सर, पढ़ाई छोड़ो वो बताओ, वो छोड़ो पढ़ाई पे ध्यान दो। इस क्लास के बाद पूछोगे मैं बोलूंगा कुछ नहीं जानता। ठीक है, एनी क्वेरीज ओवर हियर, हैप्पी टू आंसर दैट और एल्स डन। देखना एक बार, ये जो मैंने अभी ऊपर पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया है ये लिवरेज रिटर्न के नाम से आपकी कोर्स में आता है। मैं बाय द वे अभी जो पढ़ा रहा था दिस वाज कॉर्पोरेट इश्यूअर्स का एक टॉपिक, और साथ में ये ऑल्टरनेटिव्स में भी आता है, और साथ में पीपल आर सेइंग क्वांट में भी आता होगा, ठीक है ना? इन दोनों में आता है ये लिवरेज रिटर्न्स के नाम से। ठीक है, और कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में द टॉपिक इज कॉल्ड, कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में द टॉपिक इज कॉल्ड इंपैक्ट ऑफ लिवरेज ऑन आरओई। इंपैक्ट ऑफ लिवरेज ऑन आरओई, ठीक लेकिन ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट लिवरेज से होके गुजरते थे और लिवरेज सीएफए इंस्टीट्यूट ने हटा दिया कोर्स से, तो मजबूरी में मुझे लिवरेज पढ़ाना पड़ा और उसके बाद ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। ये जिस भी जगह आएंगे मैं वहां पहुंच के बोल दूंगा दैट कवर्ड इन द बेसिक्स वीडियो, वो जाके देख लो। ये फॉर्मूला आपकी बुक्स बोलती है लिवरेज रिटर्न का। अगेन इफ यू आस्क मी आई आई से कि हाइट ऑफ बेवकूफी होगी अगर अपने को याद करना पड़ जाए तो। ये बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए याद, ये क्या बोल रहा है देख लो एक बार। ये जो V0 है ना इसका मतलब है इक्विटी, और ये जो VB है इसका मतलब है डेट, तो वो ये जो R है इसका मतलब है ROIC, तो बोल रहा है ROIC मल्टीप्लाइड बाय इक्विटी प्लस डेट मतलब इन्वेस्टेड कैपिटल, यस नो? और ROIC मल्टीप्लाइड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल क्या होगा? EBIT, हाँ या ना? RB इंटू VB, RB का क्या मतलब है? डेट, सॉरी RB का क्या मतलब है? इंटरेस्ट रेट, और VB का क्या मतलब है? डेट। तो डेट इंटू इंटरेस्ट परसेंटेज, इसका क्या मतलब है? इंटरेस्ट अमाउंट, तो EBIT माइनस इंटरेस्ट ये क्या हुआ? EBT, एज्यूम नो टैक्सेस, तो ये क्या हुआ? EAT डिवाइडेड बाय V0, V0 का क्या मतलब है? इक्विटी, तो EAT डिवाइडेड बाय इक्विटी ये क्या है? अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इक्विटी इन्वेस्टेड, क्या है ये सब पता है आपको ऑलरेडी, तो इसीलिए ये बेवकूफी याद करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करो। ऐसे फॉर्मूला याद करने बैठोगे तो कॉन्सेप्ट बनेंगे जीरो और वॉल्यूम होगी इतनी ज्यादा याद करने की। इसीलिए श्वेजर जैसे इंस्टीट्यूट को एक फॉर्मूला की सीरीज, एक वो क्या बोलते हैं, एक शीट रिलीज करनी पड़ती है। आप लोगों की श्वेजर के पीछे देखना कहीं पे एक शीट लगी होगी जिसमें A to Z सारे के सारे फॉर्मूला लिखे हुए 10 सब्जेक्ट के। वो याद क्यों करने पड़ते हैं? क्योंकि समझाए तो थे नहीं तूने, तो याद ही करेंगे। आरओई भी वही था, लिवरेज रिटर्न भी वही था, इम्पैक्ट ऑफ लिवरेज ऑन आरओई भी वही था, ये सारे के सारे सेम ही तो कॉन्सेप्ट थे। इसके साथ साथ जोड़ दो ना तो FSA में ROE और ROIC, और उसके बाद कॉर्पोरेट इश्यूअर्स में ROIC, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आते हैं अलग अलग जगहों पे। कुछ जरूरत नहीं है इतनी सारी चीजों की, जो 10 कॉन्सेप्ट अलग अलग जगह पे बांटे हुए हैं, ऑल दिस कैन बी डन थ्रू दिस वन क्वेश्चन, दैट्स इट। आर वी गुड? ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स हैप्पी टू आंसर दैट और एल्स डन।
ठीक है, आगे मूव करते हैं। एक दो डाउट्स पूछे गए कैंडिडेट्स के एंड पे, इंटरेस्टिंग डाउट्स। एक कैंडिडेट ने बोला, सबसे पहले ये बताओ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल में क्या डिफरेंस है? नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज वन एंड द सेम थिंग। इट्स लाइक दिस, ये जो अच्छा, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स ने बोला कि भाई ये बताओ कि प्रेफरेंस शेयर्स का क्या होगा। ऐसा है दोस्त, ये जो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल दिख रहा है, सॉरी, ये जो टोटल इन्वेस्टेड कैपिटल दिख रहा है, इस पे इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस सब आ जाएगा। सोर्स ऑफ फंड से फर्क नहीं पड़ता, इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस सब आ जाएगा। कॉन्सेप्चुअली सोचो ना। अच्छा मुझे बताओ, ईबिट इंटू 1 माइनस टी, नोपैट में किसका किसका स्टेक है? इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस का भी है, प्रेफरेंस का भी तो है ऑलरेडी, है ना? यस नो? भाई ये देखो, लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर पूरे के पूरे केस में प्रेफरेंस शेयर्स भी एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? इट्स लाइक दिस, ये जो ऑपरेटिंग इनकम दिख रही है आपको, ये किसको बिलोंग करती है? ये इक्विटी को बिलोंग करती है, डेट को बिलोंग करती है, प्रेफरेंस को बिलोंग करती है, गवर्नमेंट को बिलोंग करती है, चारों को बिलोंग करती है। हाँ या ना? 100% यस, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इसमें। ठीक है जी, अभी गवर्नमेंट को हटा दे रहा हूं, या गवर्नमेंट को हटाने के लिए ईबिट इंटू 1 माइनस टी कर देंगे तो नोपैट आ जाएगा। वो किसको बिलोंग करेगा? इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस, क्योंकि ईबिट इंटू 1 माइनस टी कर दूंगा उससे नोपैट हो जाएगा, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो जाएगा। हाँ कि ना? 100% यस, कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए इस पे। यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दिस, पक्का? ओके। कुछ कैंडिडेट्स ने एक और डाउट पूछा, उन्होंने कहा एक बात बताओ भाई, ये पैट ओवर इक्विटी होगा, ये ईएटी है, ये किसको बिलोंग करता है? फिक्स्ड कॉस्ट, मतलब यहां पे इंटरेस्ट को रिमूव किया था आपने, दिस बिलोंग टू इक्विटी, डेट, प्रेफरेंस। आपने इंटरेस्ट को रिमूव कर दिया, डेट वाला कैंसिल हो गया, ये किसको बिलोंग करता है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। टैक्सेस को मैंने पहले ही काउंट कर लिया था 1 माइनस टी करके, तो इसको इग्नोर कर देता हूं। ईएटी किसको बिलोंग करता है? इक्विटी एंड प्रेफरेंस। यस नो? यस नो? के लिए 1 माइनस टी वाले पार्ट को इग्नोर करो, पहले भी कह चुका हूं 1 माइनस टी का आंसर नहीं दूंगा अभी कुछ भी। ठीक है, नेट इनकम किसको बिलोंग करती है? इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों को, करेक्ट। हाँ, इसमें से प्रेफर्ड डिविडेंड माइनस कर दूंगा, आई विल डू लेस पीडी ओवर हियर, दिस बिकम्स अर्निंग्स फॉर इक्विटी। आर वी गुड? यस नो? यहां पे मैंने क्या लिखा हुआ था पहले देखना, ये अर्निंग्स फॉर इक्विटी है, मैंने उसी को पैट लिख दिया, अर्निंग्स फॉर इक्विटी को पैट लिख दिया, पैट माइनस प्रेफर्ड डिविडेंड होता है अर्निंग्स फॉर इक्विटी। सर फिर ये क्लैरिफाई क्यों नहीं कर रहे थे आप उस समय? मैं रीजन बता दे रहा हूं, सीएफए के करिकुलम में 99% पोर्शंस में दे अज्यूम दैट देर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इक्विटी एंड डेट, दे जनरली डू नॉट कंसिडर प्रेफरेंस इन टू द गेम, दैट्स वाई आई इग्नोर्ड इट। बट आपको तो मैंने लॉजिकली पढ़ाया है, आपको देखना क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस को हटा के तो न्यूमरेटर का क्या होगा? कमाई डिवाइडेड बाय लागत, इन इनकम मतलब अर्निंग्स डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट, अर्निंग्स कितनी है, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा के तो ईएटी लेस पीडी, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? इक्विटी इन्वेस्टेड। तो भले मैंने फॉर्मूला ओरिएंटेशन से ना बोला हो, कॉन्सेप्चुअली तो सही समझ आता ही है आपको, एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन रहेगा। बहुत बार लोग मुझसे पूछते हैं, एक बात बताओ, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, वो लोग फॉर्मूला यूज करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, वो बोलते हैं रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्टेड कैपिटल, जैसे यहाँ पे क्या था, रिटर्न बाय इक्विटी, तो कैंडिडेट्स क्या बोलते हैं, इन्वेस्टेड कैपिटल में बोलते हैं इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफर्ड, ठीक है ना, इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफर्ड, यहाँ पे ठीक बोलते हैं, रिटर्न पे बोलते हैं नेट इनकम। इसमें प्रॉब्लम क्या है? नेट इनकम किसको बिलोंग करती है? इक्विटी और प्रेफरेंस को, तो न्यूमरेटर बिलोंग कर रहा है इक्विटी और प्रेफरेंस को, और डिनोमिनेटर किसको बिलोंग कर रहा है? इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस को। तो ये तो मतलब ये तो कंपेरेबल ही नहीं हुआ ना, ये तो फैक्ट मतलब ये तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ही गलत हो गया। सही बोल रहा हूं ना? मुझे आप बोलो यार कि रिटर्न कितना आया, मैंने कहा, मैंने लेट्स से देयर आर थ्री फ्रेंड्स, मैंने कहा फ्रेंड वन एंड टू मेड 12 20,000, उसने कहा इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, तो मैं बोल रहा हूँ 1, 2 और 3 ने मिला के 2 लाख की थी, तो 1, 2 और 3 क्या करेगा? तू जब कमाई 2 की देख रहा है तो इन्वेस्टमेंट भी 2 की देख ना।
सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ, इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली देखना है, फॉर्मूला वगैरह को छोड़ दो आप, फॉर्मूला तो बन जाते हैं खुद से, मजाक है ये। ठीक है, आर वी गुड? ठीक है, मूविंग अहेड इन माय डिस्कशन, ये वाला वीडियो यहीं पर एंड कर रहा हूँ। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर।